और सब अपने अपने डोमेन्स के नेम्स फाइनल करो कि किस पे वेबसाइट बनानी है, जिनके पहले से उनका ठीक है, जिनकी पहले से वेबसाइट नहीं है बट अब प्रैक्टिस करनी है ना, तो कुछ तो एक डोमेन फाइनल करो जिस पे ब्लॉगिंग करना है। कोई भी आपकी पसंद, किसी को ट्रैवलिंग पसंद है, किसी को फूड वगैरह पसंद है, किसी को डिजिटल मार्केटिंग ही पसंद है, तो कोई भी एक नीश सिलेक्ट करो, नीश मतलब एक सब्जेक्ट, और उस पर एक डोमेन बुक करो। मैं होस्टिंग कल प्रोवाइड करता हूँ, हर एक को सेपरेट सी पैनल का एक्सेस देता हूँ कल, अगले 3 महीने के लिए फ्री होगा वो, तो तब तक आपकी प्रैक्टिस इनफ हो जाएगी, राइट? कल, हाँ कल का पूरा दिन इनफ है। एक डोमेन बुक करो अच्छे से गोडैडी से, हमारे एक रिकॉर्डिंग है जिसमें सर ने बताया कि डोमेन कैसे बुक करते हैं, तो वो रिकॉर्डिंग देख लेना, और एक कोई डाउट आया तो ग्रुप में पूछना। ओके, सो ठीक है, अभी चलते हैं स्क्रीन की तरफ। दिख रही स्क्रीन? हाँ सर, दिख हाँ रहा दिख रही। ओके फाइन, है। बैकग्राउंड साउंड किसके चल रहा है? किसी का तो बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, वॉच का है शायद, टिकटॉक टिकटॉक। मेरे घर का रहेगा शायद से, वो पुराना वाला घड़ी है। हो सकता है। ओके ओके फाइन, कोई इशू नहीं। जैसे कल हमने देखा था, परसों हमने देखा था कि हमारी जो वेबसाइट है वो गूगल सर्च कंसोल के साथ किस तरीके से हम लोग लिंक कर सकते हैं, और उसके वेरियस मेथड्स देखे थे हमने। देन ओवरव्यू देखा था, ओवरव्यू यानी कि जो भी डैशबोर्ड का जितने भी वहाँ पे ऑप्शंस है, उस सभी ऑप्शंस के जो शॉर्ट समरी होती है इस ओवरव्यू में दिखाई देती है, और गूगल की जितने भी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज यानी जैसे गूगल एनालिटिक्स हो गया, गूगल टैग मैनेजर एंड गूगल सर्च कंसोल या अदर प्रॉपर्टीज, गूगल डेटा स्टूडियो वगैरह, ठीक है। गूगल डेटा स्टूडियो भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप सीख सकते हो, ठीक है। वो अपने करिकुलम का हिस्सा नहीं है एक्चुअली, सॉरी फॉर दैट, बट गूगल डेटा स्टूडियो भी बहुत ही हेल्पफुल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, डेटा को एनालाइज करने के लिए। देन गूगल गूगल ऑप्टिमाइज भी एक प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है वो भी। गूगल के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप चाहो तो सर्च कर सकते हो जाके, बहुत ही मतलब डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड तो बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स गूगल ने इन्वेंट करके रखे हैं। सो हम लोग अभी देख रहे हैं गूगल सर्च कॉन्सोल, ये इस प्लेटफॉर्म को। उसके बाद हमने देखा था परफॉर्मेंस, इस टैब को अगर हम ओपन करते हैं तो हम लोग हमारी जो रिजल्ट्स होते हैं वेबसाइट के, उसको कंपेयर करके या फिल्टर करके उसका जो वेरियस डेटा है नंबर्स के साथ हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, और जितना भी ट्रैफिक आ रहा है, इंप्रेशन, CTR एंड एवरेज पोजीशन, ऑल दिस ऑप्शंस हम लोग जो है डेटा कलेक्ट कर सकते हैं उससे। देन यहाँ पे न्यू में सेक्शन, न्यू जो टैब है यहाँ पे, हम लोग अगर इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे और 4 ऑप्शंस देता है गूगल सर्च कंसोल, हम लोग उस डेटा को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये जो है परफॉर्मेंस टैब था, और यहाँ पे अगर नीचे आते हैं तो क्वेरीज, पेजेस, कंट्रीज, डिवाइसेस, सर्च अपेयरेंस, डेट्स, इस हिसाब से हम लोग जो है क्लिक्स और इम्प्रेशंस का जो है डेटा देख सकते हैं, मतलब कितने इम्प्रेशंस हुए, कितने क्लिक्स हुए, पेज वाइज भी देख सकते हैं कौन से पेज पे कितना इम्प्रेशन हुआ, कौन से पेज पे कितना क्लिक हुआ है, उस हिसाब से हम लोग डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। कंट्री वाइज भी हम लोग डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, इम्प्रेशंस कितने हुए, क्लिक्स कितने हुए, ठीक है। हर हर कंट्री से, जिस कंट्री से भी हमारा जो है वेबसाइट का इंटरेक्शन होता है, मतलब सर्च रिजल्ट्स में आता है, कोई भी कीवर्ड्स के साथ एनकाउंटर जब होता है सर्च रिजल्ट्स में, तो कंट्री वाइज भी हम लोग डेटा यहाँ पे पॉपुलेट होता है, हम लोग देख सकते हैं, डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। देन डिवाइस वाइज भी हम लोग डेटा देख सकते हैं। देन सर्च अपेयरेंस जैसे मैंने वेब लाइट रिजल्ट्स के बारे में बताया था, जैसे AMP फॉर्मेट वगैरह हो गया, गूगल अपने आप ही सभी वेबसाइट्स को लाइट रिजल्ट्स में शो करता है, और जैसे AMP वगैरह जो पहले हम लोग यूज़ करते थे, लास्ट ईयर जब गूगल का एक नया अपडेट आया था एल्गोरिदम में, तो गूगल ने कहा था कि वो सारे की सारे वेबसाइट्स को
जो है एएमपी फॉर्मेट में किसी को मैन्युअली कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, गूगल अपने एंड से खुद ही कर देता है, गूगल का सॉरी अपनी वेबसाइट्स का लाइट वेट वर्जन जो होता है ना गूगल खुद होके ही क्रिएट कर देता है, तो ये सब करने की हमें ज़रूरत नहीं होती मैन्युअली। देन डेट वाइज भी हम लोग जैसे कौन सी डेट को कितना ट्रैफिक आया था इस हिसाब से हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, डेटा को देख सकते हैं। ठीक है, अभी ये डेटा का हमें क्या क्या काम है? अब सबसे पहले आपके दिमाग में आया होगा कि इस डेटा का हमको क्या काम है। अब ये डेटा जो है ना हमारा एसईओ परफॉर्मेंस किस तरीके से चल रहा है, ठीक है, मतलब हमारी जो वेबसाइट हमने बनाई है, जो भी ब्लॉग हम लोग चला रहे हैं, या किसी कंपनी में हम लोग एम्प्लॉई हैं और एसईओ की एसईओ एग्जीक्यूटिव या एसोसिएट या किसी भी पोस्ट पर हम लोग काम कर रहे हैं, हमें हमको कोई एक प्लेटफॉर्म दिया गया है जिसका डेटा एनालाइज करना है और उस हिसाब से हमारी वेबसाइट में जो भी प्रॉब्लम्स या क्वेरीज है उसको उस डेटा को एनालाइज करके उसको सॉर्ट करना है उस इश्यूज को, ठीक है, मेनली। तो वो डेटा हमें काम में आता है कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कहाँ पे किस तरीके से आगे चल के हम लोग इस जो भी नीचे जो ऑप्शंस है ना इस ऑप्शंस को भी समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी नीचे जो भी ऑप्शंस है वो ऑप्शंस हमें जो हमारा एसईओ के रैंकिंग फैक्टर्स है जितने भी उसमें मदद करने में उसमें हमें मदद मिलती है, ठीक है। तो देन आए हैं हम लोग URL इंस्पेक्शन में। URL इंस्पेक्शन में आने के बाद हम लोगों को जो भी हमारा जो हम लोग जहाँ पे अभी अपडेट करते किसी भी पेज पे, तो जस्ट अ मिनट, ओके, हम लोग किसी भी पेज को अगर अपडेट करते हैं, कुछ भी अपडेट हो गया, चाहे टेक्स्ट में हो या इमेजेस में हो या कुछ भी अपडेट हो गया, हम लोग अगर उस अपडेट को अगर गूगल के साथ शेयर नहीं कर रहे तो हमारा जो भी प्रीवियस जो इंडेक्सिंग पेज इंडेक्स्ड पेज था वही दिखेगा। सो हम लोगों को जो भी पेजेस में अपडेट करते हैं यहाँ URL इंस्पेक्शन में आके उसको यहाँ पे क्लिक करना है, एंटर करना है और गूगल को बताना है कि इस पेज को इंडेक्स कर लो, आप अपने क्रॉलर्स को भेज दो और इसको इंडेक्स कर लो, इसका डेटा जो है स्टोर कर लो। उसके बाद आते हैं हम लोग कवरेज पे। कवरेज पे आए थे और कवरेज में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे जो इंडेक्स पेजेस हैं वहाँ पे अगर किसी पेज के ऊपर एरर आता है क्रॉलिंग करते वक्त या इंडेक्सिंग करते वक्त, तो गूगल हमें शो करता है ये रेड टैब जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, अगर कोई वैलिड विथ वार्निंग अगर है, मतलब क्या है इसका कि जैसे कोई पेज है जिसमें एरर है बट वो इंडेक्स हो चुका है और गूगल उसको शो कर रहा है, हो सकता है आप इंटेंशनली ऐसा कर रहे हो या अनइंटेंशनली कर रहे हो, तो ये वैलिड विथ वार्निंग होता है कि गूगल बता रहा है आपको कि इसमें आपका कोई एरर है, अगर एरर है आपको लगता है तो इसको आप इसको रिजॉल्व कर लो और इसको फिर से इंडेक्स कर लो, ठीक है, इसका मतलब ये होता है वैलिड, यानी कि इतने सारे पेजेस जो है वैलिड है जो भी हम लोगों ने गूगल को सबमिट किए हैं या गूगल के साथ हमने जो ये प्रॉपर्टी है ये लिंक की है। प्रॉपर्टी यानी कि जैसे हमने पहले शुरुआत में हमने कहा था कि प्रॉपर्टी URL प्रीफिक्स के साथ या डोमेन प्रीफिक्स के साथ हम लोग इंडेक्स कर रहे हैं, उस हिसाब से यहाँ पे इसका रिजल्ट्स शो होता है। एक्सक्लूडेड यानी जो पेजेस है जो एक्सक्लूडेड हो चुके हैं, मतलब URL जो पेजेस है हमारी वेबसाइट्स में ऐसे नंबर ऑफ पेजेस होते हैं, जैसे हम लोग जैसे किसी पेज बिल्डर के साथ हम लोग काम कर रहे हैं या बहुत सारे ऐसे पेजेस होते हैं जैसे एलिमेंटर के साथ अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो उसके भी एक लाइट वेटेड वर्जन पेजेस क्रिएट हो जाते हैं अपने आप, जैसे हम लोग कैश डेटा उसको बोल सकते हैं, तो वो भी पेजेस तैयार होते हैं बट गूगल उन चीज़ों को एक्सक्लूड कर देता है, उन पेजेस को एक्सक्लूड कर देता है, तो वो आइटम्स यहाँ पे आते हैं एक्सक्लूडेड वर्जन्स में, ठीक है, वो क्रॉल नहीं होते। देन अभी आएंगे हम हमारा जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है साइट मैप्स। साइट मैप क्या होता है, ठीक है, अभी जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे जैसे एक रियल इस्टेट ब्रोकर है और वो क्या बोलता है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारा नया लेआउट है, यहाँ पे इतने प्लॉट गिरे, वो उसको मैप बताता है उसको, ये आपको प्लॉट यहाँ पे इतना अच्छा मिलेगा, यहाँ पे यहाँ से इतना रोड जा रहा है या इसको ऐसे इस तरीके से कुछ बताते हैं रियल इस्टेट ब्रोकर्स जब कोई प्रॉपर्टी उनके पास होती है, तो इस हिसाब से हमें मैप से हमें समझने की कोशिश करवाते हैं कि हमारा जो हमको जो प्लॉट लेना है या ज़मीन लेनी है वो किस तरीके से अच्छी है और किस तरीके से हम लोग उसको अच्छी तरीके से नेविगेट कर पाएंगे, मतलब
सिटी में पहुंचने के लिए, या कहीं हॉस्पिटल्स कितने नजदीक है, या कुछ भी इस तरीके से। वो मैप हमें समझाता है कि किस तरीके से वो जो लेआउट है या प्लॉट है वो हमारे लिए खरीदना कितना बेनिफिशियल रहेगा। उसी तरीके से एक मैप होता है जो हमें गूगल के सर्च इंजिन्स के बॉट्स को हमें देना होता है कि यार आओ हमारी वेबसाइट पे, इस तरीके से हमारा मैप है, साइट का स्ट्रक्चर है, आओ और इसको इंडेक्स करो या क्रॉल करो। तो एक मैं इसके लिए मैंने एक छोटा स्लाइड बनाया था। तो व्हाट इज साइट मैप, या साइट मैप दो तरीके के होते हैं, ठीक है, XML साइट मैप और HTML साइट मैप। अभी हम लोग फिलहाल के लिए समझते हैं XML साइट मैप क्या होता है। अब XML साइट मैप जो होता है, अ साइट मैप इज अ लिस्ट ऑफ पेजेस ऑफ अ वेबसाइट अलाउइंग सर्च इंजन क्रॉलर्स एंड यूजर्स टू एक्सेस एनी पेज ऑफ द वेबसाइट फ्रॉम द साइट मैप। दिस लिस्ट इनेबल्स सर्च इंजन क्रॉलर्स टू इजीली डिस्कवर पेजेस, विच इज व्हाई अ साइट मैप इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। साइट मैप ये एक डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर है, ये इसको आप नोट कर लो, डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर है, ठीक है। साइट मैप XML साइट मैप डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर है SEO के फैक्टर, SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो। अब साइट मैप जो है, हम लोग जैसे एक और डायग्राम दिखाता हूँ मैं, जैसे ये है, अब ये मेरा साइट का मैप है, यहाँ पे दिख रहा है ना मेरा स्लाइड आपको? हाँ दिख रहा है, दिख रहा। हाँ, जैसे ये मेरा मेरे साइट का मैप है, यहाँ पे होम पेज है, उसके बाद नीचे, उसके नीचे देखो तो आप अबाउट अस, सर्विसेज पेज, प्रोडक्ट्स पेज एंड देन कॉन्टेक्ट अस। तो यहाँ पे सर्विसेज पेज के नीचे सिस्टमेटिकली मैंने ये सर्विस वन, सर्विस टू, सर्विस थ्री, सर्विस फोर, सर्विस फाइव, देन प्रोडक्ट के नीचे सिस्टमेटिकली मैंने दिया है प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट टू, प्रोडक्ट थ्री, प्रोडक्ट फोर, प्रोडक्ट फाइव। तो इस तरीके से जो ये साइट मैप है, समझने में आसानी है कि मुझे सर्विसेज के अंदर कितनी कैटेगरीज है या कितने सब पेजेस है, प्रोडक्ट्स के अंदर कितने प्रोडक्ट्स है, ये समझने के लिए आसान है। ये तो बेसिकली ह्यूमंस के लिए HTML साइट मैप हमें इस तरीके से बनाने होते हैं। बट अगर हमें सर्च इंजन के क्रॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो सर्च इंजन के जो क्रॉलर्स होते हैं या स्पाइडर्स होते हैं, उन स्पाइडर्स को भी मैप समझ में आना चाहिए। अगर हम इस तरीके का मैप नहीं बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके का मैप नहीं बनाते हैं, तो जैसे ये अबाउट अस पेज है, ये सर्विसेज पेज है, ये प्रोडक्ट्स है, और ये इंटरलिंक नहीं है एक दूसरे से, मतलब ठीक है, इसके सर्विसेज के नीचे नहीं आया है, प्रोडक्ट्स के पीछे ये नहीं आया है। तो प्रोडक्ट्स का अगर इस तरीके से स्कैटर्ड वेज में अगर कुछ दिया है हमने, तो अबाउट अस का सर्विसेज के साथ कोई संबंध नहीं है, सर्विसेज का प्रोडक्ट्स के साथ कम संबंध नहीं है, प्रोडक्ट्स का कॉन्टेक्टर्स के साथ कोई संबंध नहीं है, ये अलग अलग डिफरेंट URLs है, ठीक है। अगर क्रॉलर आता है तो इनको समझता नहीं है कि इसका कोई इसके साथ संबंध है, इसका कोई इसके साथ संबंध है, या इसका कोई इसके साथ संबंध है, तो कोई कनेक्शन नहीं बनता। इसलिए हमें साइट मैप प्रेजेंट करना पड़ता है गूगल के क्रॉलर्स को। अब गूगल के क्रॉलर्स को अगर साइट मैप प्रेजेंट करना होता है, तो ये इस तरीके से तो लिख के नहीं देख सकते हम लोग, उसके लिए एक टूल होता है। जैसे मैं पहले अभी बताता हूं कि गूगल साइट मैप को किस तरीके से देखता है, गूगल साइट मैप को किस तरीके से देखता है। जैसे मैं यहाँ पे एक वेबसाइट टाइप करता हूँ इंडिया टाइम्स की, indiatimes.com/, ये पॉपुलर वेबसाइट है, न्यूज वेबसाइट। तो यहाँ पे मुझे अच्छी लगी ये वेबसाइट, इसके लिए मैंने इसका डाटा निकाला है। इसमें अगर हम लोग देखते हैं कि साइट मैप डॉट XML, हमेशा याद रखना कि साइट मैप जो होता है क्रॉलर्स के लिए, जो साइट मैप होता है वो XML, साइट मैप डॉट XML फॉर्मेट में ही होता है, ठीक है, हमेशा याद रखना। ये जो होता है ये साइट मैप है। अब ये जो भी कोडिंग है HTML कोडिंग, ये साइट मैप के लिए, ये गूगल के क्रॉलर्स के लिए होती है, और इस तरीके से गूगल साइट मैप को देखता है हमारे वेबसाइट के। तो ये साइट मैप हमें अपने वेबसाइट में, वेबसाइट के रूट, सॉरी हमारे होस्टिंग का जो रूट फोल्डर है उसमें हमें जो है अपलोड करना होता है, या फिर हमें जो योस्ट प्लगइन, आपने कभी सुना होगा उसका नाम, योस्ट प्लगइन सुना है आपने? योस्ट का SEO का प्लगइन होता है, वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है ये जो साइट मैप है, ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है ये साइट मैप। अगर हमें, जैसे देखिए, अब इतने सारे दुनिया में अगर जॉब
पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं तो हर कोई वेबसाइट, जैसे हम लोग कहीं जॉब करने जा रहे, सपोज मान लीजिए कि उनकी वेबसाइट वर्डप्रेस में नहीं बनी है, तो वहां पे साइट मैप कैसे इंस्टॉल करेंगे या कैसे हम लोग अपलोड करेंगे साइट मैप वर्डप्रेस में नहीं बनी है? योस्ट का अगर हम लोग मदद नहीं लेते हैं तो ठीक है, योस्ट है वर्डप्रेस की वेबसाइट के लिए, इजी काम कर देता है वहां पे, robots.txt का भी फाइल बना देता है, कैनोनिकल टैग्स के लिए भी हमें जो है, अब ये जो भी टर्म्स है robots.txt साइट मैप सॉरी robots.txt कैनोनिकल टैग्स, जो भी मैं टर्म्स का नाम ले रहा हूँ अभी, डोंट वरी, हम इसको आगे में आगे आने वाले पार्ट्स में समझने वाले हैं, ठीक है, ऑफ पेज एसईओ में, ऑफ पेज या टेक्निकल एसईओ के पार्ट में जब भी ये टॉपिक्स आएंगे उसको डिटेल में कवर करेंगे। तो मैं इस हिसाब से बोल रहा हूँ कि जैसे हमारी वर्डप्रेस साइट नहीं है, ठीक है, हमने वर्डप्रेस साइट में योस्ट प्लगइन को इंस्टॉल कर लिया और वहाँ पे हमें पता ही नहीं कि हमारी वेबसाइट में साइट मैप इंस्टॉल हो गया है और वो गूगल के क्रॉलर ने इंडेक्स भी कर लिया है, हमें पता ही नहीं है, लेकिन योस्ट ने वो अपना काम कर लिया, योस्ट ने robots.txt की फाइल भी जनरेट कर ली है, गूगल के बॉट्स को भी बता दिया है कि हमने robots.txt की फाइल जनरेट कर दी है, लेकिन हमको नहीं पता एज ए एसईओ एग्जीक्यूटिव या बोलो या एज अ डिजिटल मार्केटर, ये हमको पता रहना चाहिए कि हमारे वेबसाइट में जो जो भी फाइल्स क्रिएट हो रही है या जो जो रैंकिंग फैक्टर के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट जो फाइल्स हैं वो हमारी वेबसाइट में कहाँ पे स्टोर रहती है, या फिर हम लोग उसको जनरेट कैसे कर सकते हैं, या फिर स्टोर कैसे कर सकते हैं, अपलोड कैसे कर सकते हैं हमारे जो बैकएंड में, वेबसाइट के बैकएंड में, होस्टिंग में, सर्वर में, तो ये हमें पता रहना बहुत ज़रूरी होता है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आप इसको ध्यान से देखिए। जैसे हम लोग अगर साइट मैप, ये ठीक है, ये साइट मैप तो इस इंडिया टाइम्स ने बना लिया, लेकिन इस तरीके का साइट मैप हमें कैसे बनाना है, किस तरीके से बना सकते हैं हम लोग, तो ये हमें कोडिंग तो नहीं आता है, डिजिटल मार्केटर से हम लोग, ठीक है, किसी का टेक्निकल बैकग्राउंड है, जो भी वेबसाइट डेवलपमेंट जानते हैं या HTML CSS जानते हैं या JavaScript जानते हैं, तो वो लोगों को समझ में आएगा कि ये किस तरीके से होता है साइट मैप। अगर उन लोगों को भी नहीं पता है तो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि मेरा भी कोई कोडिंग का बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे इस तरीके से जो है साइट मैप जनरेट करना आता है, मैन्युअली भी और किसी टूल के साथ, तो कैसे जनरेट कर सकते हैं ये साइट मैप को, मुझे मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। जैसे अब किसी भी वेबसाइट पर आप अगर जाओ, जैसे मैं जैसे एक वेबसाइट है, जैसे इस वेबसाइट का मैं ले लेता हूं एग्जांपल, साइट मैप, .xml। तो इस वेबसाइट का साइट मैप इस तरीके से है। किसी भी वेबसाइट का हम लोग एक्सटेंशन /जो है साइट मैप .xml डालते हैं तो हमें उसका साइट मैप दिख जाता है। अभी हमें क्या करना है, तो सिंपल सी चीज है, गूगल के पास आना है, गूगल के पास आके गूगल के गूगल में आपको सर्च करना है साइट मैप जनरेटर, यहां पे नीचे साइट मैप जनरेटर, जो पहला लिंक आपको दिख रहा है वही पहले लिंक को आपको क्लिक करना है, ठीक है, पहले लिंक को क्लिक करना है, साइटमैप xml-sitemaps.com, यहाँ पे आना है, ठीक है। जितनी बड़ी वेबसाइट होगी उनका उतना बड़ा साइट मैप होगा, जैसे न्यूज़ वेबसाइट्स है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको ओपन करके दिखाया कि ये न्यूज़ वेबसाइट है, यहाँ पे इसका इतना लंबा साइट मैप है, इतनी लंबी कोडिंग है, इतना सारा कोड्स वहाँ पे यूज़ किया गया। छोटी साइट्स हैं तो छोटा साइट मैप, जिससे ज़्यादा पेजेस नहीं है, ज़्यादा कॉन्टेंट नहीं है, तो इस तरीके से साइट मैप बन सकता है। और भी अलग अलग तरीके के साइट मैप्स कैसे जनरेट कर सकते हैं, यहीं से भी कर सकते हैं। जैसे मैं अभी सपोज मुझे करना है, जैसे इस डोमेन का मुझे, क्योंकि ये डोमेन मैंने गूगल सर्च कंसोल के साथ लिंक किया है, तो मुझे इसका मुझे XML साइट मैप जनरेट करना है। तो यहाँ पे मैं उस डोमेन का जो है URL यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कॉपी करके, और इसको यहाँ पे ये जो स्टार्ट का बटन दिख रहा है उसे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग शुरू हो गई है, इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स टू जनरेट साइट मैप।
सर साइट मैप जनरेट करने के लिए गूगल सर्च कंसोल पे लिंक करना जरूरी है? यस यस, मैं आपको आ रहा हूँ, आपके वही टॉपिक पे आ रहा हूँ, आगे वही टॉपिक पे आ रहा हूँ, जस्ट जस्ट बी पेशेंट, मैं उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ, आपके आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा यहाँ पे। हाँ हाँ, मैं आप उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ, यहाँ यह तो कर लिया हमने, और इसके बाद क्या प्रोसेस है सब सब हम लोग बता, मैं बताऊंगा आपको। एक्चुअली साइट मैप ये टेक्निकल एसईओ में आता है, ठीक है, टेक्निकल एसईओ का पार्ट जब हम लोग देखेंगे वहां पे भी साइट मैप आता है, बट इसको रिपीट नहीं करेंगे, तो इसको आप अभी अभी आप ध्यान से देख लेना, ठीक है। टेक्निकल एसईओ में भी बहुत सारे जो है रैंकिंग फैक्टर्स है, उसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये टेक्निकल एसईओ का पार्ट ही है, तो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि गूगल सर्च कंसोल के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है, तो अभी इसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे जनरेट हो चुका है हमारा साइट मैप कंप्लीटेड, अब हमें यहाँ पे क्लिक कर लेना है व्यू साइट मैप डिटेल्स में, और यहाँ पे आपकी जो फाइल है साइट मैप की, ये आपकी साइट मैप की फाइल आपको डाउनलोड कर लेना है यहाँ पे, और ये स्किप, साइट मैप डाउनलोड हो चुकी है। अभी आपको कहाँ आना है, यहाँ आपके जो यहाँ आपके डाउनलोड फाइल में आना है। अब देखिए यहाँ पे ये जो फाइल है कौन से नाम से बनी है, साइट मैप, ओनली साइट मैप, बट हमें क्या करना है, इसको रीनेम कर देना है, भले ही हमें डाउनलोड करते वक्त वो साइट मैप डॉट एक्सएमएल नाम से दिखा था, बट उसका नाम यहाँ पे ओनली साइट मैप था, अभी हम उसको रीनेम कर देते हैं यहाँ पे, इसको साइट मैप डॉट एक्सएमएल यहाँ इसको रीनेम कर देते इस जो कोड को। अभी इसको अगर हम लोग ओपन करते हैं तो ये सिंपल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, नोटपैड में भी हम लोग इसको देख सकते हैं जैसे ये, ठीक है, ये साइट मैप है। अब हमने मैन्युअली तो क्रिएट किया नहीं है इसको, एक टूल का हेल्प लिया है, ठीक है, क्योंकि हम लोग मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूँ कि हम लोगों को कोडिंग नहीं आती, ठीक है, जिनको कोडिंग आती है वो भी क्रिएट कर सकते हैं, बट क्यों तकलीफ लेना अगर यहाँ रेडीमेड टूल मिल रहे हैं तो, ठीक है। सो अभी हम लोग जाते हैं हमारे जो जो भी हमारा ये है होस्टिंग पैनल है, होस्टिंग का जो कंट्रोल पैनल है, तो उसमें जाते हैं। जब मैं कंट्रोल पैनल में आता हूँ, देखो जैसे अक्षय ने बताया है कि व्हाट्सएप मैसेज आपने पढ़ा होगा ग्रुप में, तो डोमेन और होस्टिंग लेना इम्पोर्टेंट है। अगर आप सीरियस लर्नर बनना चाहते हैं ना, तो आपको होस्टिंग और डोमेन होना ज़रूरी है, अदरवाइज ये आज आप पढ़ रहे हैं आपको इजी लग रहा है, ठीक है ये तो इजी है, हो जाएगा, ये तो बहुत इजी है, मुझे समझ में आ गया सब, ऐसा नहीं होता। जब आप प्रैक्टिकली करते हो ना, तब आपको समझ में आता है कि ये इतना आप जितना आप इजी समझ रहे थे इतना इजी है नहीं, ठीक है। लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे, जैसे मुझे प्रैक्टिस हो गई इन सब चीज़ों के साथ, ये इन सभी जो खिलौने के साथ खिलौने के जैसे हो गए मेरे लिए सभी प्लेटफॉर्म्स, तो जैसे मैं मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है इस डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में, तो ये इन सभी चीज़ों के साथ डेली मेरा इंटरेक्शन होता है, तो मुझे ईजी लगता है, ठीक है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और जब मैं पढ़ाने के लिए आता हूँ आपको, तो मुझे भी प्रिपरेशन करना पड़ता है हर रोज़, मुझे जैसे मैं आपको जैसे मेरी और भी बैचेस होती है, तो उनको भी अगर जैसे मैं पढ़ाने के लिए जाता हूँ, तो मुझे रिवाइज करना होता है कि मुझे क्या पढ़ाना है, कौन से पॉइंट्स बताने हैं, कौन सा जो है टॉपिक लेना है, और उसको किस ड्यूरेशन में उसको कम्प्लीट करना है, अगर कितने सवाल हो सकते हैं, सवाल के एक्सपेक्टेड आंसर्स मुझसे क्या वो अज्यूम कर रहे हैं, तो वो भी मुझे सोचना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हर दिन मेरे लिए एक एग्जाम होता है, ठीक है, आपके साथ अगर इंटरेक्शन हो रहा है या किसी और स्टूडेंट्स के साथ या बैच के साथ मेरा इंटरेक्शन हो रहा है, तो वी नेवर नो, मुझे तो आई नेवर नो कि मुझे कोई सवाल आएगा तो मैं उसको कैसे इंटरेक्ट करूंगा। अगर मुझे एक्सपर्टीज या इन सभी चीज़ों का नॉलेज नहीं होता, तो मैं इस फील्ड में नहीं आता था। तो आपको ये समझना है, बेसिकली मेरे कहने का यह मतलब है कि अगर आप डोमेन या होस्टिंग के साथ अगर फैमिलियर हो जाते हो, कंट्रोल पैनल के साथ फैमिलियर हो जाते हो, तो SEO या बाकी की जो भी प्लेटफॉर्म्स है डिजिटल मार्केटिंग के मॉड्यूल्स हैं,
उनको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, यही मेरा कहने का यहाँ पे मतलब है। ठीक है, तो अभी लेट्स मूव ऑन टू द मेन टॉपिक। जो हमारा होस्टिंग पैनल है अभी यहाँ पे ओपन हो चुका है, हमारी सेट मैप की जो फाइल है यहाँ पे भी यहाँ पे रेडी है, सेट मैप डॉट एक्सएमएल। अभी मैं होस्टिंग पैनल में आता हूँ, यहाँ फाइल मैनेजर का एक ऑप्शन है, उसको मैं क्लिक कर देता हूँ। फाइल मैनेजर जो कि हमारा रूट फोल्डर है, रूट डायरेक्टरी फोल्डर, ठीक है, रूट डायरेक्टरी उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे मुझे पब्लिक डॉट एस टी एम एल दिख रहा है, तो पब्लिक डॉट एस टी एम एल में जो भी मेरा डोमेन था उसकी जो भी रूट फोल्डर्स है, मतलब थीम हो गए, प्लगइन्स हो गए, या जितने भी जैसे यहाँ पे रोबोट्स डॉट टी एक्स टी के भी फाइल्स होंगे, तो ये मैं आगे चल के बताने वाला हूँ कि रोबोट्स डॉट टी एक्स टी क्या होता है, उसका क्या मीनिंग होता है, वो क्यों हेल्पफुल है। ठीक है, तो ये भी हम लोग डिस्कस करने वाले आगे चल के, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट टेक्निकल एसईओ के जो भी टॉपिक रहेगा। तो वो जो sitemap डॉट एक्सएमएल जो फाइल है, यहाँ पे हमें अपलोड का बटन दिख रहा है, यहाँ पे इसको डायरेक्ट क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देते हैं, दूसरा टैब ओपन हो रहा है और ये साइट मैप जो है यहाँ पे ओपन कर देते हैं और यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये साइट जो है लिंक है इसका ऑलरेडी अपलोडेड है, जो है साइट मैप का जो फाइल है ऑलरेडी अपलोडेड है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, बट आपके समझने के पर्पस के लिए बता रहा हूँ कि आपको ये जो फाइल है इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे ओपन कर देना है, देन यू आर डन विद द sitemap XML फाइल। यहाँ पे अपलोड हो जाएगी फाइल और यहाँ पे अपलोड होने के बाद एक और चीज़ करनी है आपको, कहाँ पे आना है, जैसे दिग्विजय ने कहा कि आपको यहाँ पे आना है, ये sitemap को क्लिक करना है गूगल सर्च कंसोल में, और यहाँ पे जो भी आपने प्रॉपर्टी URL प्रीफिक्स के साथ अगर सिलेक्ट करी है तो URL प्रीफिक्स बताएगा आपको, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आएगा, आपको डालने की कोशिश आपको डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर आपने डोमेन से आपने प्रॉपर्टी को लिंक किया है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था डोमेन से कर सकते हो या फिर URL प्रीफिक्स से, तो URL प्रीफिक्स के साथ करे होंगे तो आपको HTTPS इस फॉर्मेट दिखेगा, ये फॉर्मेट दिखेगा। अगर आपने डोमेन के नाम से अगर आपने अपना जो है प्रॉपर्टी लिंक किया है गूगल सर्च कंसोल के साथ, तो आपको www.jobixyz.com आ गया .in आपका वेबसाइट है, यहाँ पे प्रीफिक्स दिखाई देगा बाय डिफॉल्ट, आपको वहाँ पे पेस्ट करने की जरूरत नहीं है या राइट करने की जरूरत नहीं, टाइप करने की जरूरत नहीं। अभी यहाँ पे हमको आना है जो भी हमने साइट में जो भी रूट फोल्डर्स में हमने जो फोल्डर अपलोड किया था sitemap.xml का, तो वही नाम हमें फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे ऑटोमेटिक है ही यहाँ पे, तो फॉरवर्ड स्लैश साइट यहाँ पे टाइप करना है sitemap.xml। ठीक है, यहाँ पे मैं सबमिट कर देता हूँ, सबमिट करने के बाद मुझे यहाँ पे एक मैसेज आएगा, या यहाँ पे मैं सबमिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सबमिटेड है, जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि ये जो साइट मैप जो हम लोगों ने अपलोड किया है अपने रूट डायरेक्टरी में, तो वो हमें गूगल सर्च कंसोल को बताना है कि हमने अपनी वेबसाइट में साइट मैप दिया है और आप अपने क्रॉलर्स को भेजो, हमारी वेबसाइट अच्छे से इंडेक्स्ड जैसे आपके लिए तैयार रखी गई है, जो भी हमारा साइट मैप में स्ट्रक्चर है वो आपको रेडीमेड दिया गया है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आओ हमारी साइट को क्रॉल करो और इंडेक्स करो। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको इंडेक्स कर देते हैं या फिर सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद यहाँ पे एक मैसेज आएगा, या फिर आपको एक कूडंट फेच का एरर आएगा या फिर एक सक्सेस का मैसेज आएगा। कूडंट फेच यानी कि आपके साइट मैप को जो है सबमिट होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, गूगल के बॉट्स को या गूगल सर्च इंजन थोड़ा सा टाइम लेगा, 12 आवर्स या 24 आवर्स। अगर आप 24 आवर्स के बाद फिर से आप यहाँ पे अगर साइट मैप में आगे देखते हो तो आपका जो है स्टेटस जो है ये सक्सेस करके बताएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितने जैसे हमने कौन सा साइट मैप सबमिट किया था, साइट मैप का डेट सबमिट करने का तारीख कौन सा था, डेट कौन सा था, लास्ट रीड जैसे क्रॉलर ने किस तारीख को उसको रीड किया था, स्टेटस क्या है, और कितने डिस्कवर किए हैं URLs जो है, कितने URL डिस्कवर किए हैं, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे सर आपके और एक ये अभी जो करंट वेबसाइट है वहाँ पे दो दो साइट मैप है ना, एक तो index.xml है
और एक अपना सेटअप। हाँ ये डोमेन प्रॉपर्टी से। हाँ हाँ आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। हाँ नहीं नहीं दो क्यों है साइट मैप ऐसा? साइट मैप दो है इसलिए, इसके लिए ये इसकी वजह ऐसी है कि मैंने क्या किया था अनइंटेंशनली, या आप बोल सकते हो कि मुझे पता नहीं था कि मेरा साइट मैप ऑलरेडी इंडेक्स्ड है एक, मैं जैसे आपको जैसे अभी पढ़ा रहा हूँ तो उसी हिसाब से मैंने ये कर लिया था डोमेन के साथ भी, तो ये सबमिट हो चुका था। अब इसको रिमूव भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है? मैंने रिमूव नहीं किया है। ओके ओके, मतलब कोई एक आपको लेना है, अगर दोनों भी लेते हो तो जैसे आपकी साइट के वर्शंस बहुत सारे हो सकते हैं, HTTP भी हो सकता है, HTTPS भी हो सकता है, या फिर www.xyz.com या example.com भी हो सकता है, ठीक है? तो आप अपनी साइट की जो साइट मैप जो भी जो URL जो है लिंक कर रहे हैं गूगल सर्च कंसोल के साथ, वो कुछ भी हो सकता है वर्शन, ठीक है? तो मैंने क्या किया कि अनइंटेंशनली हो गया मेरे से, जैसे मैं किसी बैच को पढ़ा रहा था तो वो भी डोमेन प्रॉपर्टी के साथ लिंक हो गया और मैंने सबमिट कर दिया। तो इसको रिमूव कर सकते, इस प्रॉपर्टी को भी रिमूव कर सकते हैं, आगे चल के हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है? ओके ओके, ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों होना चाहिए, बट जैसे हम लोग किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो कंपनी के जो वेबसाइट के वर्शन होते हैं, किसी वेबसाइट का एक वर्शन होता है HTTP, किसी वेबसाइट का URL का वर्शन होता है HTTPS, या दोनों हो सकते हैं, ठीक है? तो कोई भी एक, या कोई भी दो, या कोई भी तीन, ऐसे भी कर सकते हैं, और बेटर वे एक ही कर सकते हैं, एक ही प्रीफिक्स मेथड कर सकते हैं, ठीक है? ओके। अभी हमने साइट मैप सबमिट कर दिया है और ये फेच हो चुका है और यहाँ पे सक्सेस स्टेटस आ गया है, कितने URL क्रॉल किए हैं ये भी यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है? अभी यहाँ पे मैंने जैसे अभी बताया है प्रणय आपको कि जैसे यहाँ पे मैंने पहले जो किया था साइट मैप .xml, ये दूसरा फाइल था जो योस्ट ने फेच किया है, ठीक है? तो ये इस तरीके से हुआ। हाँ तो जैसे, हाँ जैसे मैं अपनी अभी जो है हमारी जो साइट है, अगर उसमें आते हैं हम लोग, जैसे इसको रिमूव कर देता हूँ मैं, जो हमारी मेन साइट है, जैसे एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, योस्ट का मैं आपको शायद कल, शायद नहीं परफेक्टली बता रहा हूँ आपको, कल उसका डेमो दूंगा योस्ट का, कि योस्ट के जो भी सेटिंग्स है हमको उस सेटिंग्स को भी समझना चाहिए। जैसे वर्डप्रेस में अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो योस्ट प्लगइन की सेटिंग्स भी हमें पता रहनी चाहिए। जैसे अभी फिलहाल के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, इसको आप थोड़ा सा समझ लो, बाकी इसका हम लोग कल योस्ट का देखते हैं, ठीक है? क्योंकि कल से हम लोग ऑन पेज SEO या फिर टेक्निकल SEO को स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है? तो पहले तो योस्ट का जो प्लगइन है यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, अगर मैं इसके जनरल के सेटिंग्स में आता हूँ तो यहाँ पे आपको फीचर्स में ये देखिए, साइट मैप दिख रहा है, XML साइट मैप दिख रहा है कि नहीं? तो आपको ये अगर बटन ऑन दिखती है तो क्या होता है कि इस वेबसाइट के लिए योस्ट प्लगइन ने ऑटोमेटिकली साइट मैप जनरेट कर दिया है, ठीक है? बट अगर इसको गूगल सर्च कंसोल के साथ हमने लिंक नहीं किया है तो हमारा जो योस्ट प्लगइन है इसको भी हम लोग गूगल सर्च कंसोल के साथ इंटीग्रेट करते हैं यहाँ पे वेब मास्टर्स टूल में, इसका मैं आपको बताने वाला हूँ वैसे कल, ठीक है? अगर योस्ट हम लोग यूज़ करें, देखिए यहाँ पे वेब मास्टर्स टूल में गूगल वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे हमको देना होता है, ये हम लोग कल डिस्कस कर लेते हैं, बट मैं अभी आपको फिलहाल के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे भी एक ऑप्शन होता है जो ऑटोमेटिक जनरेट कर देता है साइट मैप योस्ट प्लगइन, हमें मैन्युअली करने की साइट मैप के टूल में जाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? सो ये हो गया है साइट मैप XML साइट मैप। अभी एक और साइट मैप होता है HTML साइट मैप, ठीक है? जैसे यहाँ कौन सी वेबसाइट में गए थे हम लोग, ये देखिए इंडिया टाइम्स की वेबसाइट में। अब यहाँ पे HTML साइट मैप, ये साइट मैप किसके लिए होता है और क्यों होता है, जैसे मैं देखता हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अभी HTML साइट मैप क्रिएट करने के लिए ना कोई टूल है ना कोई शॉर्टकट मेथड, ठीक है? अब HTML साइट मैप कैसे क्रिएट कर सकते हैं और ये किसके लिए होता है और ये क्यों होता है, इसका मैं रीजन बताता हूँ आपको।
आ गया, यस। हाँ, तो HTML साइट मैप ये जो होता है ना, ये ह्यूमंस के लिए होता है, तुम्हारे आपके लिए और हमारे लिए, ठीक है। आप हम लोग जैसे किसी साइट में आते हैं तो हमें साइट का स्ट्रक्चर जो है पता नहीं है, कि जैसे होम पेज है, होम पेज के नीचे कितने जैसे कैटेगरीज है, यहाँ पे देखिए न्यूज़ है, टेक्नोलॉजी है, जैसे यहाँ इसका अगर हम लोग मेन्यू देखें तो यहाँ पे न्यूज़ है, टेक्नोलॉजी, मोबिलिटी, लाइफस्टाइल, एंटरटेनमेंट, ट्रेंडिंग, हेल्थ। अभी इसके नीचे भी कौन से कैटेगरीज है या सब कैटेगरीज है हमको नहीं पता। तो साइट ओनर क्या करते हैं, जो भी साइट चला रहे, वेबसाइट चला रहे, यहाँ पे HTML साइट मैप ह्यूमंस के लिए होता है, इसका रैंकिंग फैक्टर से कोई लेना देना नहीं है, इसका गूगल के सर्च इंजन के साथ कुछ लेना देना नहीं है। HTML साइट मैप सिर्फ ये ह्यूमंस के लिए होता है, ठीक है। तो इस तरीके का साइट मैप अगर हम किसी बड़ी कंपनी या किसी जैसे यहाँ पे मल्टीपल पेजेस हैं या जैसे कोई ई कॉमर्स कंपनी है, तो उनके लिए भी ये साइट मैप हम लोग अपने आप से, अपने एंड से कर सकते हैं। कैसे, जैसे हमने एलिमेंटर सीखा, ये जस्ट एक पेज है, राइट, ये एक पेज है, जस्ट एक पेज, इसको हमने क्रिएट किया है, मैन्युअली क्रिएट किया है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे आओ फूटर में, तो आपको यहाँ पे भी दिखेगा साइट मैप का, ठीक है। और साइट मैप यहाँ पे अगर क्लिक करो तो ये ऑलरेडी पेज ओपन है, तो क्लिक करने का कोई मीनिंग नहीं है, तो ऑलरेडी यहाँ पे एक पेज है, तो वो ओपन होगा। और इसके नीचे कितने जो है टॉपिक्स हैं या पेजेस हैं या सब कैटेगरीज हैं, ये हमें शो होता है। और ह्यूमंस को समझने के लिए आसानी होती है कि न्यूज़ में इतने कॉलम्स हैं, टेक्नोलॉजी में इतने कॉलम्स हैं या टॉपिक्स हैं, मोबिलिटी में इतने टॉपिक्स हैं, लाइफस्टाइल में या जितने भी जो भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, उस हिसाब से यहाँ पे हमें समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये बेसिकली HTML साइट मैप का जो मीनिंग है बस यही है, इसका कोई डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर नहीं होता, सिर्फ XML साइट मैप का होता है, HTML साइट मैप का नहीं। HTML साइट मैप ह्यूमंस के लिए और XML साइट मैप गूगल के सर्च इंजन, गूगल सर्च इंजन के बॉट्स के लिए होता है, दैट्स इट, ठीक है। तो अभी साइट मैप जो होता है, सबसे पहले जो बॉट्स आते हैं हमारी वेबसाइट में, तो वो साइट मैप और दो फाइल्स को सर्च करते हैं हमारी वेबसाइट में। जब हम गूगल सर्च कंसोल के साथ अगर हमारी साइट लिंक करते हैं या नहीं भी लिंक करते हैं, तो भी हमारे साइट में गूगल के बॉट्स आएंगे ही 100%। तो अगर आते हैं हमारे साइट में गूगल के बॉट्स या किसी भी सर्च इंजन के बॉट्स आते हैं, या स्पाइडर्स या जो भी नाम रख लो आप, क्रॉलर्स, तो सबसे पहले हमारी जो साइट है उसमें दो फाइल्स वो सर्च करते हैं। दो फाइल्स कौन से, एक तो robots.txt और दूसरा है XML साइट मैप। robots.txt का अब आगे चल के हम लोग देखने वाले हैं इसका एक टेक्निकल SEO में। ये दो फाइल्स होना बहुत ज़रूरी है टेक्निकल SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये दोनों भी डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर्स है SEO में, डायरेक्टली रैंकिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये दोनों हमेशा हमारी साइट में रहने चाहिए, ठीक है। XML साइट मैप और robots.txt फाइल, ठीक है। robots.txt का हम लोग आगे मैं बता रहा हूँ आपको बार बार, ठीक है। तो ये है, और देन बैक टू हमारी जो है गूगल सर्च कंसोल के टॉपिक पे, तो यहाँ पे, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। तो ये है साइट मैप को क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, इस हिसाब से हमने देखा था। देन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, रिमूवल्स। आई थिंक दिग्विजय आपका क्लियर हो गया होगा पॉइंट, ठीक है ना। अभी हम लोग आते हैं रिमूवल्स पे। रिमूवल्स पे के मैंने कल आपको ये बताया था कि हमें अगर कोई URL जो है इंडेक्स नहीं करवाना है, रिमूव करवाना है, तो टेम्पररीली रिमूव करवाना है उस URL को, तो यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट करके हमें आना है, और यहाँ पे उस URL को टेम्पररीली रिमूव मीन्स वॉट, अबाउट 6 months, यहाँ पे आपको डायरेक्टली इंस्ट्रक्ट किया गया है, अबाउट 6 months ये आपका जो URL है वो टेम्पररीली रिमूव हो जाएगा फॉर द 6 months, ठीक है। और इसका कैशेड URL जो है, कैशेड URL यानी जो उसके जो भी टेक्स्ट है या जो भी कैश्ड वर्शन होता है ना, उसको रिमूव कर सकते हैं, या बेटर वे, आप इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, ये आप URL को यहाँ पे पेस्ट कर दो, जो भी URL आपको रिमूव करना है, इंडेक्स नहीं करवाना है, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है,
तो आप उसको, या फिर आप उस पर अगर काम कर रहे हो तो उसको आप टेम्पररीली रिमूव कर सकते हो यहाँ से. देन यहाँ पे आउटडेटेड कंटेंट, यानी कि एक आधा ऐसा कंटेंट है जो आउटडेटेड हो चुका है, यहाँ पे कोई भी ट्रैफिक नहीं है या कोई ऐसा यूजर जनरेटेड जो है यूआरएल क्रिएट हो गया है या स्पैमी कुछ कंटेंट है, स्पैमी कंटेंट, ठीक है. स्पैमी कंटेंट यानी कि जैसे हमारी साइट को किसी से, जैसे अडल्ट वेबसाइट्स हो गई है या अनरियलिस्टिक, मतलब जो हमारे साइट्स का कोई रिलेवेंसी नहीं है, वहाँ से अगर हमें कुछ डेटा आ रहा है, हमारे साइट में स्टोर हो रहा है, हमें पता नहीं है वो कहाँ से टेम्प्रेरी फाइल्स में स्टोर हो रहा है, तो वहाँ पे ये हमें गूगल बताता है कि ये साइट्स हैं, इसको आप रिमूव कर लो. और यहाँ पे सेफ सर्च फिल्टरिंग, यानी कि जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे जो भी डेटा आ रहा है हमारे साइट से, हमारे साइट में इंडेक्स हो रहा है, चाहे जैसे बैकलिंक्स आते हैं हमारे साइट में, तो जैसे स्पैमी बैकलिंक्स या जैसे और जैसे अडल्ट वेबसाइट्स हो गए हैं, तो उस वहाँ से अगर आते हैं तो वो होता है. एक और टूल है जैसे मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ये टूल मैं अभी आपको ठीक है, ये टूल मैं अभी यहाँ पे लिंक्स में जब आएंगे तब बताऊंगा, ठीक है. एक टूल है, गूगल का ही टूल है, ठीक है. तो ये है टेम्परेरीली रिमूव के लिए, हम लोग यहाँ से इसको कर सकते हैं, बट अगर किसी लिंक को परमानेंटली रिमूव करना है तो उसका भी क्या एक ऑप्शन है, मैं बता देता हूँ आपको. उसके बाद हम लोग आते हैं कोर वेब वाइटल्स में. जैसे दिग्विजय जी का एक और सवाल था कि गूगल जो पेज स्पीड उन्होंने यूज़ किया था तो उनको कुछ दिक्कत आई थी, तो उसका भी हम लोग सॉर्ट कर लेते हैं. जैसे मैं पेज स्पीड इनसाइट यहाँ पे टाइप करता हूँ, ये वहाँ से रिडायरेक्ट भी हो सकते थे बट मुझे दूसरा यूआरएल लेना है, यहाँ से भी रिडायरेक्ट हो सकते थे बट मैं इस यूआरएल को नहीं, दूसरे यूआरएल को ले रहा हूँ. यहाँ पे आ गए पेज स्पीड इनसाइट, और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसको एनालाइज करते हैं. ओके, जैसे ये पेज स्पीड इनसाइट है, यहाँ पे इतने 13 नंबर्स मिले हैं, अगर 50-89 मिलते हैं तो एवरेज जो है स्पीड है, लोडिंग स्पीड है पेज का. देन अगर 92 है तो एक्सेलेंट है, लेकिन 90 के अभाव किसी का रहता नहीं है मुझे जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है. मोस्टली 50-89 ही रहता है. अब देखिए यहाँ पे ना मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया है गूगल ने, तो ये जो पहला जो इंस्ट्रक्शन है, जो फर्स्ट कंटेंट फुल पेंट, इसको थोड़ा सा अभी समझ लेते हैं. अब फर्स्ट कंटेंट फुल पेंट इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी पहला जो पॉइंट है, यानी कि जैसे मैं इसको अगर एंटर कर लेता हूँ, जैसे कोई भी पहला पॉइंट है या इमेज हो गया, टेक्स्ट हो गया, कुछ भी हो गया, सबसे पहले कितने सेकंड में लोड हो रहा है, ठीक है, ये विद इन 10 सेकंड्स तो लोड हो रहा है, तो इसका मीनिंग है कि हमारी साइट का स्पीड जो है कहीं तो गड़बड़ा जा रहा है. जैसे मैंने कल बताया था आपको कि विद इन 2.5 सेकंड में जो पहला जो भी हमें जो है पार्ट है वो विजिबल होना चाहिए जैसे ही साइट लोड होती है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ पे कोई अगर हम लोग हेवी इमेज या जैसे स्लाइडर हो गया या वीडियो हो गया या कुछ भी ऐसा अगर होता है तो वेबसाइट के लोडिंग स्पीड पे असर गिरता है. और अगर पहला, इसको हीरो सेक्शन बोलते हैं बाय द वे, इसको हीरो सेक्शन बोलते हैं, जैसे फर्स्ट पेज का, होम पेज का जैसे पहला जो सेक्शन होता है इसको हीरो सेक्शन बोलते हैं, तो अगर ये सेक्शन ओपन नहीं होता है विद इन 2.5 सेकंड्स में तो बाउंस रेट बढ़ेगा, विजिट करने के पहले ही यूजर एग्जिट कर जाएगा, राइट. तो अगर
ये पेज विद इन 2.5 सेकंड में ओपन नहीं होता है तो कुछ गड़बड़ है, तो इसको हमें जो है अगर कुछ ये है, जैसे मैं और एक दूसरी वेबसाइट ले लेता हूँ, जैसे ये वेबसाइट है, ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे कि मैं तो SEO पढ़ा रहा हूँ लेकिन आपकी खुद की वेबसाइट के ऊपर काम नहीं होगा, तो मैं इसके ऊपर उतना ध्यान नहीं देता क्योंकि मुझे उतना टाइम नहीं मिलता, ठीक है। अब खुद का काम रह जाता है दूसरों का काम करते करते, तो मैं उतना माइंड नहीं करता, ठीक है। तो जैसे ये जो है फर्स्ट पेज, जैसे यहाँ पे एक पार्टिकल्स दिख रहे होंगे आपके बैकग्राउंड में, इतना सारा CSS, इतना CSS यानी कि जो भी डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कुछ किया है, तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है जैसे एनिमेशंस हो गए हैं, जैसे ये यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, देखिए यहाँ से आ रहा है, तो ये एनिमेशन पार्ट, जैसे बैकग्राउंड में कुछ पार्टिकल्स दिख रहे हैं और जो इमेज है वो यहाँ से लेफ्ट से राइट, ये जो हेडलाइन है लेफ्ट राइट से लेफ्ट आ रही है, तो ये सब CSS हो गया है और यहाँ वेबसाइट की जो लोडिंग स्पीड है उसका टाइम बढ़ रहा है। अगर फ्रंट पेज के हीरो सेक्शन में अगर मुझे कोई टेक्स्ट नहीं दिख रहा है किसी भी वेबसाइट का, इसका मतलब नीचे, क्योंकि पहले तो वो नीचे आएगा बात, सॉरी पहले तो वो ऊपर देखेगा कि वहाँ पे क्या दिखा है, देन वहाँ पे नीचे आएगा कि वहाँ उस वेबसाइट में क्या क्या कंटेंट है। अगर ऊपर का लोड नहीं हो रहा है कि देयर इज समथिंग क्रिटिकल, ऐसा हम लोग मान लेना चाहिए, गूगल भी ये सजेस्ट करता है। तो फर्स्ट कॉन्टेंट फुल पेंट का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट का जो पहला पार्ट है होम पेज का हीरो सेक्शन, वो विद इन 2.5 सेकंड्स में ओपन होना चाहिए, गॉट इट। देन अगर टाइम टू इंटरैक्टिव इसके अब ये ऑप्शन के लिए आते हैं, मतलब समझते हैं, तो कितने टाइम के बाद आपका जो पेज है कंप्लीट इंटरैक्शन के लिए अवेलेबल है, कितने टाइम के बाद, मतलब यहाँ पे दिख रहा है 18.3 सेकंड, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत है, तो यहाँ पे मोस्टली उतना ही टाइम लेना चाहिए, 5 to 6 सेकंड समथिंग, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे प्रॉब्लम है, मतलब टाइम टू इंटरेक्टिव मतलब कंप्लीट पेज के साथ इंटरेक्शन करने के लिए यूजर को कितना समय लग रहा है, उसका मतलब होता है टाइम टू इंटरेक्टिव। अगर आप नोट्स कर रहे हो, नोट कर रहे हो, तो ये आप लिख के भी ले सकते हो, ठीक है, अदरवाइज रिकॉर्डेड लेसन तो मिलेगा ही, बट इसको समझने के लिए आपको नोट का भी अगर इस्तेमाल करते हैं, नोट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके समझने के लिए, क्योंकि अगर आप साइमल्टेनियसली लिख लेते हैं आपके ब्रेन में वो पॉइंट लॉन्ग टर्म के लिए फिट हो जाती है, राइट। अगेन देन स्पीड इंडेक्स की बात करते हैं, तो स्पीड इंडेक्स क्या होता है, जैसे ये वाला जो कॉलम है, तो कितनी देर से इस पेज का सारा कंटेंट या टेक्स्ट इमेज एटसेट्रा जो भी है दिखाई देता है। यहाँ पे हम लोग इंटरेक्शन करने के लिए अवेलेबल है, इंटरेक्शन करने के लिए अवेलेबल है मतलब बटन वगैरह जो भी नेविगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने दिया है वो, और यहाँ पे स्पीड इंडेक्स यानी कि कितनी देर उस पेज का सारा कंटेंट उस यूजर को विजिबल होता है, ठीक है ना, वो एक है। मतलब ये देखिए आपको जो है हर एक हिसाब से यहाँ पे, अगर इसको आप गूगल सर्च करना चाहते हो ना इस टर्म्स को, तो गूगल सर्च के इसका भी एक इजी मेथड बता देता हूँ मैं। जैसे फर्स्ट कंटेंट फुल पेंट अगर इसको मीनिंग समझना है आपको, राइट क्लिक करो, सर्च विद गूगल करो, ये भी है, इसका मीनिंग समझ लो, ईजी है, ठीक है। फर्स्ट कंटेंट पेंट इज एन इम्पॉर्टेंट यूजर सेंट्रिक मेट्रिक फॉर मेजरिंग परसीव्ड लोड स्पीड बिकॉज इट मार्क्स द फर्स्ट पॉइंट इन द पेज लोड टाइम लाइन, जैसे मैंने बताया है फर्स्ट पेज का जो टाइम लाइन का जो ऊपर का पार्ट होता है उसको लोड होने में कितना टाइम लगता है, ये इसका मीनिंग होता है। इन सारे टर्म्स को आप समझ सकते हो, ठीक है, जैसे स्पीड इंडेक्स के बारे में बताया, फिर टोटल ब्लॉकिंग टाइम, देन लार्जेस्ट कंटेंट फुल पेंट का मतलब होता है कि जैसे कोई मेजर पार्ट है हमारी वेबसाइट का जो जैसे बहुत बड़ा अगर पार्ट है किसी, जैसे यहाँ पे इस सेक्शन को पकड़ लेते हैं, तो ये सेक्शन लोड होने में कितना टाइम लगता है, जो मेजर पार्ट है किसी वेबसाइट का मेन कंटेंट होगा उसको लोड होने के लिए कितना टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे भी क्रिटिकल एरर्स दिखा रहा है, रेड साइंस मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत है उस पेजेस से, ठीक है। अब ये मैंने इसका दिखाया और आपको उसका बता रहा हूँ, तो आप समझ लो कि क्या होता है एग्जैक्टली, ठीक है। देन बाकी के टोटल ब्लॉकिंग टाइम,
जो है ठीक है, यहाँ पे भी क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट, इसका भी अगर मीनिंग आपको जानना है ठीक है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं क्या होता है इसका मीनिंग, गूगल सर्च विद गूगल ठीक है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट यूजर मेट्रिक फॉर मेजरिंग यूजुअल विजुअल स्टेबिलिटी बिकॉज इट हेल्प्स क्वान्टिटी टू, हाँ अपनी जी ठीक है, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है मेटा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, इज अ कोर वेब वाइटल्स मेट्रिक कैलकुलेटेड बाय समिंग ऑल लेआउट्स शिफ्ट्स दैट आरंट कॉज्ड बाय यूजर इंटरेक्शन। सीएलएस लुक्स एट द प्रोपोर्शन ऑफ द व्यू पोर्ट दैट वाज इंपैक्टेड बाय लेआउट शिफ्ट्स एंड द मूवमेंट डिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट्स दैट आर वेयर मूव्ड। अब इसका क्या मीनिंग हुआ कि जो भी पेजेस हैं, जो भी पेजेस हैं वो एक साथ लोड होने के लिए कितना, वो जो भी लेआउट है, जितना भी लेआउट है, अगर वो लेआउट एक साथ कितने टाइम में वो जो है अपलोड हो रहा है सर्वर के, जैसे ब्राउजर में आते हैं, सर्वर और ब्राउजर का यहाँ पे इंटरेक्शन किया जाता है। जैसे सर्वर से हम लोग सर्वर से इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं किसी यूआरएल को या पेज को क्लिक करके या डाल के, और सर्वर ब्राउजर को बता रहा है और ब्राउजर हमें दे रहा है वो इंफॉर्मेशन, तो वो एक्चुअली वो लेआउट शिफ्ट होता है एक्चुअली वो टाइमिंग, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। तो मई 2021 से, इसको भी नोट कर लो आप, अगर कहीं इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो आपको बताना इजी रहेगा कि मई 2021 से कोर वेब वाइटल्स, कोर वेब वाइटल्स ये भी एक डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर होने वाला है, ऐसा गूगल ने इंडिकेट किया है, ठीक है, गूगल इंडिकेट करता रहता है, ठीक है। अब अगर कोई बोलता है कि कोई SEO एक्सपर्ट जो भी आपका फेवरेट होगा यूट्यूबर वगैरह, अगर वो बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ होता नहीं है, तो होता है, डायरेक्टली रैंकिंग फैक्टर्स भी कुछ होते हैं, गूगल डायरेक्टली इंडिकेट नहीं करता, बट अगर आप गूगल के जो भी यहाँ पे जैसे मैं सर्च करके देख रहा हूँ तो मैं पढ़ते रहता हूँ, ठीक है, अगर यहाँ पे आप नो मोर पे आओगे, आप यहाँ लर्न मोर पे आओगे, आप यहाँ पे आपको वो दिखेगा, ठीक है। तो ये भी एक नोट करने की चीज़ है, मई 2021 से डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर होगा कोर वेब वाइटल, इसको नोट कर लो आप। उसके बाद आएंगे मोबाइल यूजेबिलिटी, आई थिंक दैट इज क्लियर नाउ। मोबाइल यूजेबिलिटी यानी कि हमारी जो वेबसाइट है कितनी मोबाइल यूजेबल है, मतलब रिस्पॉन्सिव है, यूजेबिलिटी यानी रिस्पॉन्सिवनेस। अब मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस या मोबाइल फ्रेंडलीनेस भी होना बहुत ज़रूरी है वेबसाइट, क्योंकि यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे मोबाइल यूजेबिलिटी में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सोर्स कहाँ से आ रहा है, सोर्स मतलब जो क्रॉलर कहाँ से आया है, कल हमने देखा था डेस्कटॉप क्रॉलर, अभी हम लोग देख रहे हैं स्मार्टफोन क्रॉलर, जो कि कल आके गया 2 फरवरी 2021 को। इस डेटा को भी हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं गूगल शीट एक्सेल सीएसवी के फॉर्म में, और कौन सा क्रॉलर, क्रॉलर आया था तो स्मार्टफोन क्रॉलर। और बेसिकली हर वेबसाइट को अगर कोई बॉट क्रॉल करता है तो वो है स्मार्टफोन क्रॉलर, और स्मार्टफोन क्रॉलर ही क्रॉल करना चाहिए, ऐसे मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक जो है हमारी वेबसाइट में स्मार्टफोन से ही आते हैं। अगर हमारी साइट वेबसाइट यूजर फ्रेंडली या बोल सकते मोबाइल फ्रेंडली या मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं है, सो दैट विल बी फेटल फॉर योर रैंकिंग फैक्टर। ओके, सो अगर यहाँ पे कोई एरर है तो यहाँ पे एरर बताएगा, जैसे मैंने मुझे कभी कुछ दिन पहले जैसे एरर था 27/11/2020 को, और ये यहाँ पे डेट हम लोग देख रहे हैं रेड लाइंस, और फ्राइडे 2020 के 4 December को ये एरर था जो मैंने सॉर्ट कर लिया। अब एरर कौन सा था अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे टेक्स्ट टू स्मॉल टू रीड, अगर मैं मोबाइल में मेरा वर्जन देख रहा हूँ, वेबसाइट का वर्जन देख रहा हूँ, तो आपको टेक्स्ट अगर यहाँ पे बता रहा है वो, ठीक है, गूगल बता रहा है आपको कि आपका जो टेक्स्ट है मोबाइल में, मोबाइल वर्जन वेबसाइट में, वो उसका जो है टेक्स्ट स्मॉल है, रीड करने में दिक्कत हो रही है, किसको, ह्यूमंस को हो रही है, ठीक है, तो वो बताएगा कि ह्यूमंस को दिक्कत होगी तो आप उसको बड़ा कर लो, ठीक है। देन अगर आपको वेबसाइट को देखना है, सर्च करना है, तो यहाँ से मत देखना ऐसे करके, क्योंकि ये ठीक है, यहाँ से तो आप देख लोगे कि वेबसाइट आपका मोबाइल वर्जन कैसे दिख रहा है, तो मुझे तो ठीक दिख रहा है, परफेक्ट दिख रहा है, बट कभी कभी क्या होता है
कि आपको मोबाइल के हिसाब से अगर अपनी साइट को देखना है तो आपको मोबाइल में ही जाके देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो अगर आप इसमें अगर देख रहे हो तो यहाँ पे दिक्कत होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आप, ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आपके सॉर्ट हो जाएंगे, लेकिन अब अगर आप डायरेक्टली मोबाइल पे अगर देखते हो कि कौन सा टेक्स्ट स्मॉल लग रहा है, कौन सा बटन ठीक नहीं लग रहा है, या कोई भी टाइटल का जो है रीडेबिलिटी, मतलब दिक्कत आ रही है कुछ, तो आप मोबाइल वर्जन में जाके देख सकते हो, डायरेक्टली मोबाइल में जाके चेक करना यूआरएल को, वेबसाइट से नहीं, ठीक है। तो ये है, देन अगर जैसे क्लिकेबल, सेकंड एरर दिखाया था, क्लिकेबल एलिमेंट्स टू क्लोज टुगेदर, क्लिकेबल एलिमेंट्स यानी जैसे दो बटन्स दिए गए होंगे कहीं, और दो बटन्स वहाँ पे, जैसे ये दो बटन्स है अगर मोबाइल वर्जन में दिख रहा है तो बहुत क्लोज दिख रहे हैं, अगर उसको आपको अलग अलग करना है, जैसे चिपक गए होंगे या कहीं उसका जो है CSS गड़बड़ा गया है, तो आपको उसको भी वहाँ पे मैनुअल एक्शन लेना पड़ेगा, गूगल अपने आप से, या कोई टूल नहीं इसके लिए, आपको गूगल सॉरी वेबसाइट में आके उसके जो भी पेज बिल्डर है या कहीं से भी डेवलपर जो भी हो उसने बनाया, उसको बताना पड़ेगा आपको कि ये भैया यहाँ पे दिक्कत आ रही है, आपको ठीक करना होगा वो। उसके बाद कंटेंट वाइडर देन स्क्रीन, अगेन मोबाइल यूजेबिलिटी, कंटेंट जो है बाहर जा रहा है, जैसे ये है यहाँ पे बाहर जा रहा है, हो सकता है कभी कभी बहुत सारे जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो भूल जाते हैं बोलो, या उनको याद नहीं रहता, या उनको करना नहीं आता कि मोबाइल यूजेबल या मोबाइल फ्रेंडली साइट कैसे बनाते हैं, ठीक है। हम लोग सिर्फ डेस्कटॉप पे अगर साइट डेवलप कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल में किस तरीके से दिख रही है वो साइट हमको नहीं पता, तो दिक्कत होने वाली है रैंकिंग में। तो ये भी एक डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर हो सकता है, एक्चुअली मोबाइल यूजेबिलिटी, मोबाइल फ्रेंडलीनेस, ठीक है। तो ये इश्यूज है, अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं जैसे टेक्स्ट टू स्मॉल टू रीड ये एरर को, तो यहाँ पे मुझे यूआरएल भी बता देगा वो कि कौन से यूआरएल में मुझे एग्जैक्ट एरर आ रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट एरर मुझे कहाँ पे आ रहा है, तो वो मुझे बता देगा जो भी गूगल का क्रॉलर है या जो सर्च कंसोल में मुझे रिजल्ट्स आ रहे हैं। देन वैलिड पेजेस यानी कि यहाँ पे अगर हावर करके देख लो, दिस पेजेस हैव फ्यू और नो मोबाइल यूजेबिलिटी इश्यूज, जैसे यहाँ पे जो है मोबाइल फ्रेंडली पेजेस, यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ तो चार पेजेस है, जितने भी पेजेस हैं यहाँ पे सारे के सारे पेजेस मोबाइल फ्रेंडली है, ऐसा गूगल बोल रहा है, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, वैलिड है सभी के सभी पेजेस, जितने भी इंडेक्स किए गए पेजेस है वैलिड है, ठीक है। तो ये है जो है मोबाइल यूजेबिलिटी का फैक्टर, आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ, राइट? यस यस, ओके फाइन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट जो है साइट लिंक सर्च बॉक्स। साइट लिंक सर्च बॉक्स ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये बताने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये आपने कहीं सुना होगा या नहीं सुना होगा, इसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। ये क्या होता है, स्कीमा डेटा मार्कअप, आपने अगर सुना होगा स्कीमा, अगर किसी ने SEO किया है होगा, कुणाल जी आपने किया है क्या, सुना है क्या? सुना तो है सर, बट एग्जैक्टली पता नहीं होगा, ठीक है, डोंट वरी। स्कीमा डेटा मार्कअप या स्ट्रक्चर्ड स्निपेट भी बोलते हैं, इसको हम लोग सेपरेटली कवर करने वाले हैं, इसको हम लोग अभी फिलहाल के लिए यहीं पे छोड़ देते हैं कि इसका क्या मीनिंग होता है, स्ट्रक्चर्ड स्निपेट या फिर स्कीमा मार्कअप का क्या मीनिंग होता है। इसको समझाने के लिए मुझे कुछ एग्जाम्पल्स या फिर मुझे योस्ट या रैंक मैथ प्लगइन का सहारा लेना पड़ेगा, तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसको अभी हम लोग फिलहाल के लिए पॉज करते हैं, इस टॉपिक को, साइट लिंक सर्च बॉक्स को। इसको हम लोग जब हमारा ऑन पेज ऑफ पेज या टेक्निकल एसईओ का किसी भी पॉइंट, किसी भी मॉड्यूल के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं किसी भी मॉड्यूल को, तो उस मॉड्यूल में कहीं ना कहीं स्कीमा आएगा, तो वहां पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे स्कीमा को, ठीक है। यहाँ पे भी मार्किंग एरर्स वैलिड और जो है वैलिडिटी वार्निंग्स आएंगे यहाँ पे, तो ये हम लोग देखेंगे उस पार्ट में, ठीक है। फिलहाल के लिए इसको हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, क्योंकि इसको हम लोग आगे कवर करने वाले हैं, ठीक है। जितने भी मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ, robots.txt, स्कीमा, कैनोनिकल टैग्स, ये सभी जो पार्ट्स हैं हम लोग आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं, जो भी हमारा ऑन पेज ऑफ पेज या टेक्निकल एसईओ का मॉड्यूल आएगा, उनमें से किसी भी एक
जो पॉइंट है वहां पे तो आएगा जरूर, तो हम लोग वहां पे क्लियर कर लेंगे उसको. अगेन नेक्स्ट जो है टॉपिक आएगा सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शंस. मैनुअल एक्शंस यानी कि क्या, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करके देख रहा हूँ तो आप बच गए, आप बच गए. यहाँ पे नो इश्यूज इंडेक्स दिखा रहा है, मतलब आप बहुत बहुत बच गए, क्योंकि मैनुअल एक्शंस गूगल के कोई बॉट्स या क्रॉलर्स या कोई मैनुअल एक्शंस ऐसे नहीं देता. गूगल के जो ऑफिशियल पर्सन होते हैं, ह्यूमंस, ऑफिशियल लोग, एग्जीक्यूटिव्स, गूगल के जो अधिकारी या जो भी ऑफिशियल लोग हैं, वो हमें साइट के ऊपर अगर कोई मैनुअल एक्शन या पेनल्टी दी है तो यहाँ पे शो होती है. गूगल मैनुअल एक्शंस तभी लेता है जब हमारी साइट में कोई भी पॉर्नोग्राफिक कंटेंट, अडल्ट कंटेंट या कुछ भी इस तरीके का मिसलीडिंग है, तो हमें मैनुअल एक्शंस लेता है गूगल. कभी भी याद रखना ये, मैनुअल एक्शन अगर आया है तो आप खतरे में हो, आपकी वेबसाइट खतरे में है, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज गूगल पेनलाइज कर देगा आपकी वेबसाइट को. तो ये भी ध्यान रखना, अगर मैनुअल एक्शंस दिखता है तो तुरंत उसको सॉर्ट कर लेना चाहिए. ठीक है, कोई भी मैनुअल एक्शन हो सकता है, वो कुछ भी आपको नोटिस भेज सकता है. ठीक है, गूगल के ऑफिशियल पर्सन या कोई ह्यूमंस, यहाँ पे कोई रोबोट्स नहीं भेजेगा आपको इन्फॉर्मेशन, ह्यूमंस भेजते हैं जो भी ऑफिशियल पर्सन होंगे गूगल के. ठीक है, सिक्योरिटी इशूज. सिक्योरिटी इशूज यानी कि आपकी वेबसाइट जैसे HTTPS नहीं है या सिक्योर्ड नहीं है, तो यहाँ पे आपको जो है सिक्योरिटी इशूज आपको जो है इम्पोज करेगा गूगल. यहाँ पे अगर दिख है तो उसको भी सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए आपको. ठीक है, ये कोई है नहीं. मैनुअल एक्शंस जो है ना, जैसे एनहांसमेंट हमने देखा था हर साइट के लिए, जैसे मैं अभी बिजनेस साइट देख रहा हूँ, तो जैसे ब्लॉगिंग साइट है या फिर ई कॉमर्स साइट है या फिर कोई भी अदर साइट है, तो एनहांसमेंट के जो भी पॉइंट्स है, जहाँ से यहाँ पे मुझे तीन ही दिख रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ कुछ बढ़ते जाएंगे पॉइंट्स. ठीक है, तो उसको याद रखना आप. ठीक है, तो कुछ कुछ ऑप्शंस बढ़ते जाएंगे, बट समवॉट जितने भी मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं अभी तक, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको आप अगर समझ लो तो बाकी के पॉइंट्स भी जितने भी आपको दिखेंगे मोस्टली इतने ही होते हैं. बट मैं जैसे ई कॉमर्स कंपनी की बात करूंगा या कोई अदर कंपनी है जो सर्विस बेस्ड मल्टीपल सर्विसेज या मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, तो वहाँ पे, या ब्लॉग है कोई, तो यहाँ पे इतने इतने दो ऑप्शन है, सॉरी यहाँ पे तीन ऑप्शन है, तो यह छः हो सकते हैं या पाँच हो सकते हैं या चार भी हो सकते हैं, वेबसाइट के हिसाब से वो ऑप्शंस बढ़ते या घटते रहते हैं. ठीक है, एंड देन लीगसी एंड टूल्स एंड रिपोर्ट्स, ये कोई इशू नहीं है. ठीक है, ये देख लेते क्या है. तो ठीक है, ये कोई मीनिंग नहीं इसका देखने का. ठीक है, URL पैरामीटर्स, ये भी ये हम लोग बाद में देखते हैं. ठीक है, URL पैरामीटर्स ये आने वाला है, गूगल एड्स जब हम लोग चलाएंगे तो वहाँ पे URL पैरामीटर्स देने होते हैं, तो वो हम लोग उस टाइम पे देखते हैं. ठीक है, वेब टूल्स ये भी कोई ज़रूरी नहीं है देखना. अब यहाँ पे आते हैं लिंक्स में. ठीक है, लिंक्स में आते हैं, तो लिंक्स में हमको दिखता है, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान से देखना. एक्सटर्नल लिंक्स, इंटरनल लिंक्स एंड टॉप लिंकिंग साइट्स एंड टॉप लिंकिंग टेक्स्ट, ये क्या है. हमारी वेबसाइट्स को बैकलिंक्स मिलते हैं, या जैसे हम लोग इंटरनल लिंक्स भी हम लोग हमारी वेबसाइट्स में देते हैं. जैसे हम लोग ऑन पेज SEO देखेंगे तो वहाँ पे एक्सटर्नल लिंक्स एंड इनबाउंड एंड आउटबाउंड लिंक्स का हम लोग स्ट्रक्चर समझेंगे कि क्या होता है वो. ठीक है, वो कैसे रैंकिंग फैक्टर है या क्या उसका मीनिंग होता है. जैसे अभी फिलहाल के लिए समझ लो कि एक्सटर्नल लिंक्स यानी, जैसे मैं इसको यहाँ मोर पे क्लिक कर लेता हूँ, तो इस वेबसाइट को एक्सटर्नल लिंक्स कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो मैं देखता हूँ कि इन वेबसाइट से मुझे एक्सटर्नल लिंक्स मिले हैं. एक्सटर्नल लिंक्स यानी कि बैकलिंक्स. ठीक है, बैकलिंक्स मुझे मेरी साइट को कहाँ कहाँ से, कौन से साइट से मिले हैं. तो टोटल एक्सटर्नल लिंक्स 31 और टोटल साइट्स जो है 8. टोटल एक्सटर्नल लिंक्स मुझे मतलब जितने भी लिंक्स है इन 8 साइट में से, अब किसी साइट में से कम है, किसी साइट में ज़्यादा है, तो वो बैकलिंक्स मुझे मिले हैं मेरी साइट में, तो वो होते हैं बैकलिंक्स. आपको किसी सेपरेट टूल की ज़रूरत नहीं है कि मेरी साइट में कहाँ से बैकलिंक आ रहा है, Ahrefs या SEMrush, जो भी टूल्स होते हैं ना, उस साइट की ज़रूरत नहीं है, उन टूल्स की ज़रूरत नहीं है कि मेरे साइट को कहाँ से बैकलिंक्स आ रहे हैं ये देखने के लिए. यहीं से आपको पता चल जाएगा कि मुझे कहाँ से बैकलिंक आ रहा है. ठीक है,
अब यहाँ पे दिक्कत कहाँ आती है, यहाँ पे दिक्कत बहुत आती है, बहुत जगह आती है। अब दिक्कत क्यों आती है, कैसे आती है और उसको दूर कैसे किया जाएगा, इसको हम लोग देखते हैं। अभी मुझे इन वेबसाइट से लिंक्स तो आ रही है, अब मुझे पता नहीं यार ये कि साइट ये कौन से है और कहाँ से आ रहे हैं और मुझे क्यों आ रहे हैं, क्यों बैकलिंक दे रहे हैं। हो सकता है ये जो जो भी जो भी क्या बोलते हैं उसको, जो भी साइट्स हैं स्पैमी साइट्स हो सकती है, स्पैमी बैकलिंक्स, जैसे मैंने बताया है कि स्पैमी बैकलिंक्स हो सकते हैं, या अडल्टरी वेबसाइट्स, या फिर जो यूज़र जनरेटेड, कोई हमारा जो कॉम्पिटिटर है मस्ती कर रहा होगा हमारे साथ कि यार इसकी साइट पे स्पैमी बैकलिंक्स भेजो, इसकी इसकी जो है रैंकिंग घटा दो। ठीक है, ऐसे भी होता है। ठीक है, तो कॉम्पिटिटर भी है जो हमारा, वो हमारी साइट को बैकलिंक भेजते रहता है अननेसेसरी वेबसाइट से, या अननेसेसरी जो जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है, ऐसी बैकलिंक्स हमारी वेबसाइट के ऊपर भेजते रहता है। अगर हमारी वेबसाइट पे स्पैमी या कुछ ऐसे कुछ कंटेंट रिलेटेड जो है वेबसाइट से बैकलिंक आ रही है, तो गूगल पेनलाइज कर देगा और वो रैंकिंग से जो है नीचे उतर जाएगी हमारी वेबसाइट। तो ये भी होता है, ये नहीं होना चाहिए। और उस इस लिंक से हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं, अब इस लिंक से छुटकारा भी पा सकते हैं। ठीक है, ये जो लिंक्स मुझे दिख रही है, ये लिंक्स मुझे जो है दे रही है, ये साइट्स बैकलिंक्स दे रही है, तो मुझे नहीं चाहिए ये बैकलिंक्स, ये तो स्पैमी है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई मुझे रिलेवेंट नहीं है मेरी वेबसाइट से। बैकलिंक्स का ये जो है ऑफ पेज एसईओ में हम लोग उसको डिटेल में कवर करने वाले हैं, बैकलिंक्स को, ठीक है, डिटेल में कवर करने वाले। सिर्फ इसका मैं एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे कि अगर आपको बैकलिंक आपकी निश से रिलेटेड या रिलेवेंट साइट से नहीं आ रहा है, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ स्पैमी बैकलिंक, और उसका कोई मीनिंग नहीं होता उस बैकलिंक का, चाहे वो कितनी भी बड़ी वेबसाइट हो, आपकी वेबसाइट से रिलेवेंट नहीं है, उससे वहां से बैकलिंक आ रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है बैकलिंक मिलने का, चाहे आपकी करोड़ों वेबसाइट, करोड़ों बैकलिंक्स या लाखों बैकलिंक्स आपने जनरेट क्यों ना किए हो, उसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, अगर आपको किसी कोई बताता है कि यार बैकलिंक्स बना लो, बहुत मतलब वो उसका जो है मतलब रैंक हो जाएगी वेबसाइट, इतने सारे बैकलिंक्स बना लो, तो कोई मीनिंग नहीं है। अगर रिलेवेंट निश से, रिलेवेंट वेबसाइट से, रिलेवेंट हमारा जो भी सर्विस या बिजनेस है, वहाँ से अगर बैकलिंक नहीं आ रही है, तो उस बैकलिंक्स का उतना ही मोल है जितना, वो मुहावरा मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, जान देते हैं। तो ठीक है, ये है। और जैसे मैं अभी यहाँ पे एक टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहा था, मैनुअल एक्शंस। अब मैनुअल एक्शंस जो है, अगर आप नोट कर रहे हो तो नोट कर सकते हो, गूगल पेनल्टी किस वजह से देता है हमें, तो उसके मेनली मैं कुछ रीजंस बता रहा हूँ आपको। तो यूजर जनरेटेड स्पैम तो पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है स्पैमी जो है फ्री होस्टिंग्स, जैसे कोई चीप होस्टिंग आपने यूज किया है, चीप होस्टिंग, ठीक है, चीप होस्टिंग में मल्टीपल स्पैमी वेबसाइट्स या मल्टीपल वेबसाइट वहां पे होस्टेड है, कोई चीप सर्विस होस्टिंग प्रोवाइडर होगा वहां पे आपको वो होस्टिंग दे रहा है आपको, ठीक है, और आपने वहां पे अपनी जो मेन वेबसाइट है जिसके ऊपर आप मेहनत कर रहे हो, अगर वहां पे आपको गूगल को पता चल जाता है, ठीक है, आप कौन सा होस्टिंग यूज कर रहे हो, कितना चीप है, कितना बढ़िया है, वगैरह वगैरह, तो अगर ऐसी होस्टिंग का पर आप यूज कर रहे हो और वो वहां पे भी स्पैम क्रिएट होता है, तो वहां से बच के रहिए आप, इस कंडीशन में आपको पेनल्टी होगा। देन जैसे स्ट्रक्चर डेटा इशू, वो मैं अभी आपको बाद में बताने वाला हूँ नेक्स्ट सेशन में। देन बैकलिंक इश्यूज, अननेचुरल लिंक्स, ठीक है, बैकलिंक इश्यूज, अननेचुरल लिंक्स अगर मुझे कहीं से आ रहे हैं तो दिक्कत है, मैनुअल एक्शन लेगा गूगल के जो भी ऑफिशियल्स है, मैनुअल एक्शन लेंगे, आपको बताएंगे कि आपको मेक श्योर करना है कि वो नो फॉलो टैग होंगे। अब नो फॉलो और डू फॉलो क्या होगा, अगेन हम लोग बैकलिंक्स में अभी डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि मैं जितने भी टर्म्स यूज कर रहा हूँ, हो सकता है आपको समझ में ना आए एट अ टाइम, बट ये ऐसा है, अभी ऐसा है तो है, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, क्योंकि अगर हम लोग जहाँ जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे SEO के टॉपिक में, आपको लेयर बाय लेयर ओपन हो जाएगा, सो बी पेशेंट, ठीक है। मैं जितने भी टर्म्स यूज कर रहा हूँ, हो सकता है आपने कभी सुना नहीं होगा,
या हो सकता है आपने सुना होगा बट आपको उसका मतलब नहीं पता होगा, लेकिन डोंट वरी, ये जितने भी मैं टर्म्स यूज कर रहा हूँ, बैक लिंक्स, डू फॉलो, नो फॉलो, वॉट एवर इट मे बी, ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं आपको वन बाय वन पता चलेंगे। अभी हम लोग गूगल सर्च कंसोल देख रहे हैं, सो यहाँ पे वो टर्म्स आ रहे हैं, इसलिए मुझे वो टर्म्स लेने पड़ रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। अगर मुझे लेने नहीं पड़ते तो मैं नहीं लेता था वो टर्म्स, ठीक है, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं तो मैं उस टर्म्स का यूज करे बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि वो टर्म्स लेना जरूरी है, उनका नाम लेना, ठीक है। देन मिसलीडिंग रिडायरेक्ट और या फिर मोबाइल रिडायरेक्ट, ये भी मैनुअल एक्शंस की वजह से हो सकते हैं, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स है, जैसे लिंक्स के ऊपर हम लोग आते हैं फिर से, तो ये ठीक है। यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक्स हैं, जो भी बैक लिंक्स किसी और वेबसाइट से मुझे आ रहे हैं वो, और इंटरनल लिंक्स यानी कि मेरे ही एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे, दूसरे वेब पेज से तीसरे वेब पेज से, तीसरे वेब पेज से पहले वेब पेज पे, इस तरीके से लिंक्स मैं अपने ही वेबसाइट पे, अपने ही, जैसे हम लोग अभी ऑन पेज में पढ़ेंगे आगे, तो हम लोग एक इंटरनल लिंक्स देते रहते हैं, तो वो होते हैं इंटरनल लिंक्स। अब ये मेन पेज को 23 लिंक्स आ रहे हैं, ये प्राइवेसी पॉलिसी को 15 आ रहे हैं, अबाउट अस को 12 आ रहे हैं, और बाकी के जो है लाइकवाइज ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये है एक्सटर्नल और इंटरनल। देन टॉप लिंकिंग साइट्स, जो भी लिंकिंग साइट्स हैं मुझे जो है, इन लिंकिंग साइट से मुझे मिल रहे हैं बैक लिंक्स मिल रहे हैं इन साइट्स से, तो ये साइट्स हैं। अगर मैं इसको मोर कर लेता हूँ तो इतने साइट्स हैं जो भी हैं 8-10 साइट, तो वो साइट से मुझे बैक लिंक्स मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, कहाँ से मिल रहे हैं, वो हम लोग वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। देन टॉप लिंकिंग टेक्स्ट, इसको बोलते हैं एंकर टेक्स्ट। अभी एंकर टेक्स्ट क्या होता है इसको भी हम लोग बाद में समझेंगे। एंकर टेक्स्ट यानी कि जैसे अगर हम लोग यहाँ पे कोई टर्म देखते हैं, जैसे हाउ टू लूज वेट, फिर से यही देखते हैं, तो यहाँ पे किसी भी मैं ब्लॉग को क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे ना देखिए यहाँ पे ब्लू में दिख रहा है, यहाँ पे अगर माउस हावर कर रहा हूँ तो ये इसका रंग बदल रहा है। यहाँ पे कोई ना कोई बैकलिंक या इंटरनल लिंक दिया गया है, ठीक है। तो ये होता है इस वर्ड को, इस वर्ड को मैंने सॉरी इस वर्ड को मैंने लिंक दिया है, चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, बट इसको मैंने लिंक दिया है, मतलब ये एंकर टेक्स्ट है। इसको सॉरी जस्ट अ मिनट, इस लिंक को बोलते हैं एंकर टेक्स्ट, सॉरी इस टेक्स्ट को बोलते हैं एंकर टेक्स्ट, जिस टेक्स्ट को मैंने लिंक दिया है, जहां से यहां से मैंने, आप लेफ्ट कॉर्नर में या राइट कॉर्नर में देख सकते हो आपके पीसी के, आपको लिंक दिख रहा होगा नीचे में, तो ये इंटरनल या एक्सटर्नल लिंक या बैक लिंक हो सकता है। तो इस टेक्स्ट को मैंने कॉपी सॉरी इसको सिलेक्ट करके मैंने लिंक दिया है, तो इसको बोलते हैं एंकर टेक्स्ट, उस टेक्स्ट को एंकर टेक्स्ट बोलते हैं। ये हम लोग समझे हैं ऑन पेज एसईओ में, ठीक है। तो ये टेक्स्ट को लिंक करके मुझे मिला है, ये टेक्स्ट को लिंक करके, ये टेक्स्ट को, ये टेक्स्ट को लिंक करके मुझे बैक लिंक मिला है। अभी जैसे मैंने बताया है कि अननेचुरल लिंक्स अगर मुझे आ रहे हैं तो गूगल मेरी साइट पे मैनुअल एक्शंस ले सकता है, तो मुझे हाउ कैन आई गेट रीड फ्रॉम दिस बैक लिंक्स, दिस अननेचुरल बैक लिंक्स। तो आपको यहाँ पे कोई भी टूल, कोई भी डायरेक्टली गूगल जो है ना, गूगल सर्च कंसोल या गूगल जो है आपको सजेस्ट नहीं कर रहा है। इस लिंक्स को हम लोग एक्सटर्नल लिंक्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगेन यहाँ पे कोई भी फॉर्मेट में हम लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, सॉरी डाउनलोड हो गया वो, तो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, इन सारे लिंक्स को। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे करना क्या है, तो इस बहुत इस पॉइंट को भी आप नोट कर लो। अगेन मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे एक नाम टाइप करने वाला हूँ, यहाँ पे डिस अबाउ टूल, ये गूगल का ही टूल है, गूगल सर्च कंसोल का ही टूल है, बट गूगल सर्च कंसोल ने यहाँ पर इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ पर मेंशन नहीं किया है कहीं पर भी गूगल सर्च कंसोल ने इस टूल के बारे में, कभी भी कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है डिस अबाउ टूल को। अब डिस अबाउ टूल क्या है, डिस अबाउ टूल हमें
क्या बेनिफिट्स देता है, तो ये इसका एक ही बेनिफिट है, ये जितने भी बैकलिंक्स मुझे आ रहे हैं, ये जितने भी बैकलिंक्स, चाहे वो स्पैमी हो सकते हैं या कुछ भी हो सकते हैं, अगर मुझे नहीं चाहिए वो बैकलिंक्स तो मैं क्या करता हूँ, ये डिसअवर टूल ओपन कर लेता हूँ, गूगल में टाइप कर लेता हूँ, गूगल सर्च, देखिए यहाँ पे इसका टाइटल भी दिख रहा है डिसअवर टूल इन गूगल सर्च कॉन्सोल, बट ये गूगल सर्च कॉन्सोल में कहीं पे भी मेंशन नहीं है, और ये शायद आपको पता भी नहीं होगा या बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता, तो इसको भी मैं आपको साथ रिवील कर रहा हूँ। इसको मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे डिसअवर टूल को, और ये जो है इस तरीके का एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे क्या करना है मुझे, मुझे जो भी मेरी प्रॉपर्टीज इस मेल आईडी के साथ लिंक है, मतलब इस गूगल सर्च कॉन्सोल के जो है प्लेटफॉर्म के साथ लिंक है, जितने भी प्रॉपर्टीज यानी कि मेरी जो वेबसाइट्स है, तो उस वेबसाइट को मैं सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, जो भी वेबसाइट्स जैसे अभी स्पैमी वेबसाइट्स है, यहाँ पे मैंने अभी डाउनलोड किया था, ठीक है, ये वाली CSV फॉर्मेट में, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ अभी, ठीक है, ये जितने भी लिंक्स है मुझे मिल रहे हैं उन वेबसाइट से, उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा, और जितने भी स्पैमी बैकलिंक्स है मुझे नहीं चाहिए वो सब बैकलिंक्स, और मेरी वेबसाइट की रैंकिंग जो फैक्टर है उसको कम कर रहे हैं, मतलब इन वेबसाइट से कोई भी लिंक जूस पास नहीं हो रहा है। अब लिंक जूस यानी कि क्या, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, ठीक है, ऑफ पेज एसईओ में, ठीक है। लिंक जूस यानी कि जैसे आपकी साइट्स में बहुत सारे जो है बैकलिंक्स आ रहे हैं और आपको उसका एक बूस्ट मिलता है उस बैकलिंक से, मतलब आपकी वेबसाइट को रैंक होने में, जैसे मेरी वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग नीश से मैं कर रहा हूँ, अगर मुझे डायरेक्टली नील पटेल अगर मुझे बैकलिंक दे रहा है तो डायरेक्टली मुझे बूस्ट मिलेगा, जितना भी लिंक जूस है उस वेबसाइट का मुझे पास होगा, लिंक जूस यानी जैसे जूस होता है, जूस अगर मुझे मिल जाता है तो मैं एकदम एनर्जेटिक या फिर बहुत पहलवान बन जाऊंगा, उस तरीके का कुछ होता है, ठीक है, तो वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे लिंक जूस वगैरह क्या है, ठीक है। तो मुझे इस साइट से अगर कोई लिंक जूस नहीं मिल रहा है या कोई भी मुझे बेनिफिट नहीं हो रहा है इस साइट्स का, तो ये साइट्स को मैं यहाँ पे एक्सेल शीट में बना लूंगा, और इस एक्सेल शीट को मैं यहाँ जो गूगल सर्च कॉन्सोल का जो डिसअबव टूल है यहाँ पे आऊँगा, मेरे डोमेन की प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करूंगा जो भी गूगल सर्च कॉन्सोल के प्लेटफॉर्म के साथ लिंक है, और यहाँ पे आपको बोल रहा है कि अपलोड अ टेक्स्ट फाइल विथ लिंक्स और डोमेन्स टू डिसअबव, ठीक है। अब रिक्वायर्ड डिसअबव फॉर्मेट पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो .txt फॉर्मेट में वो फाइल होनी चाहिए, .txt फॉर्मेट, ठीक है। इसको अगर हम लोग रीनेम करते हैं तो ये जो है इसको कोई भी xyz हम लोग नाम दे सकते हैं, जैसे जो भी xyz.com, ठीक है, .com और .txt, इस तरीके से इसको हम लोगों को सेव कर लेना है, चाहे नाम कोई भी हो .txt फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, .txt फॉर्म में होना चाहिए, जस्ट अ सेकंड, हाँ .txt फॉर्म में होना चाहिए, और उस फाइल को यहाँ पे हमें अपलोड कर देना है, ठीक है, उस फाइल को यहाँ पे, इस फाइल को यहाँ पे हमें ओपन कर देना है, अपलोड कर देना है, और दैट्स इट। ये यहाँ पे अपलोड अगर करते हैं तो फिर से आपको एक वार्निंग देता है कि डू यू रियली वांट टू सबमिट दिस फाइल, तो आपको यस कर देना है, और दैट्स इट, काम हो गया आपका। जितने भी बैकलिंक्स आपको मिले हैं वह तो वैसे रहेंगे ही, बट उसका कोई मीनिंग नहीं होगा गूगल में, तो ऑटोमेटिकली वो नो फॉलो लिंक्स हो जाएंगे या फिर रिमूव हो जाएंगे आपके बैकलिंक्स, जो भी आपको बैकलिंक्स मिले हैं वो जिस भी वेबसाइट से, स्पैमी वेबसाइट से, तो वो रिमूव हो जाएंगे। सो आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ, ठीक है, डिसअवर टूल के बारे में आपको पता चल गया, ठीक है, उसका क्या मतलब होता है वगैरह वगैरह। देन हम लोग आते हैं सेटिंग्स में, सेटिंग्स में आने के बाद हमको हमारा साइट जो है, आई एम अ वेरीफाइड ओनर, ठीक है, वो तो मुझे बताएगा ही कि मैं वेरीफाइड ओनर हूँ, ठीक है। मेरी साइट कौन से प्लेटफॉर्म में, जैसे यहाँ पे मैंने
ओनर वेरिफिकेशन अगर मैंने कहा कहाँ कहाँ से ओनर वेरिफिकेशन किया, गूगल टैग मैनेजर से मैंने वेरीफाइड कर लिया है गूगल सर्च कंसोल के अकाउंट को। डोमेन एंड प्रोवाइडर मतलब मैं मेरा खुद का डोमेन है वो डोमेन से भी मैंने वेरीफाई कर लिया है, और एडिशनल मेथड्स भी हैं इन सब के गूगल एनालिटिक्स के साथ भी आप इसको लिंक कर सकते हो, ठीक है, तो उसको भी वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, गूगल एनालिटिक्स का जब पार्ट आएगा उसको भी देख लेंगे हम लोग। देन सेटिंग्स में और आते हैं यूजर्स एंड परमिशंस पे ऊपर। जैसे मैं इस वेबसाइट का ओनर हूँ तो वेबसाइट जो है मुझे किसी के साथ शेयर करनी है, मतलब जो भी ये डेटा जो मुझे गूगल सर्च कंसोल का मिल रहा है या जो भी कंपनी में आप कहीं काम कर रहे होंगे या कहीं काम करने जाओगे तो आपको भी इस तरीके से एक जो है एक्सेस मिल सकता है। अगर किसी को एक्सेस देना है तो यहाँ पे ऐड यूजर में आपको क्लिक करना है, उसका बंदे का जो भी नाम है ईमेल एड्रेस है वहाँ पे डालना है आपको, और एक्सेस किस तरीके का देना है, फुल देना है या रेस्ट्रिक्टेड देना है। फुल देते हैं तो वो एडिट जो भी कर सकता है इस डेटा के साथ कुछ भी कर सकता है, तो वो होता है एडमिन कंट्रोल, फुल्ली उसको जो है क्या बोल सकते हैं उसको ये मिल जाते हैं एक्सेस मिल जाता है। अगर रेस्ट्रिक्टेड अगर आप एक्सेस देते हैं तो सिर्फ वो रीड कर सकता है, कुछ भी उसमें हेरा फेरी या गड़बड़ नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये है एक्सेस दे सकते हैं आप, किसी को भी देख सकते हो। देन चेंज ऑफ एड्रेस, जैसे इसका भी हम लोग बाद में डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि ये 301 और 301 रीडायरेक्ट्स है, मतलब ये वेबसाइट अभी शॉर्ट के लिए बता देता हूं मैं, डोंट वरी। 301 रीडायरेक्ट क्या होता है कि जैसे ये वेबसाइट है मुझे ये वेबसाइट परमानेंटली मुझे किसी और डोमेन पर लेके जानी है, मतलब परमानेंटली मुझे शिफ्ट करना है इस वेबसाइट को, जो भी ये वेबसाइट मैंने अभी लिंक करी है ये दूसरे डोमेन पे मुझे लेके जानी है, मतलब ये जितना भी डेटा है अभी ये साइट रिमूव होने वाली है डिलीट होने वाली है, इस वेबसाइट को मैंने परमानेंटली शिफ्ट कर देना है किसी और डोमेन में, तो मुझे गूगल को बताना है कि इसका जो भी डेटा है एज इट इज रहेगा, कोई इसके डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, लेकिन वो डोमेन चेंज हो जाएगा जो मैं यहाँ से शिफ्ट कर सकता हूँ, ऐड प्रॉपर्टी कर सकता हूँ या जो भी डोमेन है उसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे रख दूंगा, तो वो परमानेंटली शिफ्ट हो जाएगा। 301 और 302 रिडायरेक्ट्स क्या होता है ये भी हम लोग आगे चल के समझने वाले हैं। फिलहाल के लिए आप समझ लो कि 301 रिडायरेक्ट यानी कि हमारी वेबसाइट को परमानेंटली शिफ्ट कर देना किसी और डोमेन में, ठीक है, तो ये भी हम लोग देखेंगे आगे चल के, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए ये सेटिंग्स को यहीं पे रख देते हैं। क्रॉल स्टैट्स, जैसे क्रॉल स्टैट्स मतलब जो भी क्रॉल की स्टैटिस्टिक्स है उसके रिपोर्ट्स हमें मिलते हैं, ठीक है। जैसे क्रॉल स्टैट्स यानी कि क्या, जैसे क्रॉलिंग कब हुआ, इंडेक्सिंग कब हुआ और रैंकिंग किस तरीके से मिली। जैसे आपने वो गाना सुना होगा, नजरे मिली दिल धड़का मेरी धड़कन ने कहा लव यू राजा, सुना है क्या? नजरे मिली दिल धड़का धड़कन ने कहा लव यू राजा, नहीं सुना है क्या? अरे वो माधुरी दीक्षित का फेमस सॉन्ग है। नजरें मिली मतलब क्रॉलिंग हो गया, दिल धड़का मतलब इंडेक्सिंग हो गई, और लव यू राजा मतलब रैंकिंग। सिंपल टर्म, हाँ ओके, अच्छा नहीं लगा। तो ये है क्रॉल स्टैट्स, ओके। यहाँ पे हम लोग ओपन रिपोर्ट अगर कर लेते हैं तो टोटल क्रॉल रिक्वेस्ट और टोटल डाउनलोडेड साइज और टोटल जो भी हमारे जो स्टैटिस्टिक्स है यहाँ पे हमको मिल जाता है, कौन से बॉट्स आए थे, गूगल का बॉट कौन सा आया था, स्मार्टफोन डेस्कटॉप इमेज जितने भी है बॉट्स, जितने भी हमारे जो फाइल टाइप है यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। robot.txt ये तो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले ही हैं। तो समझ लो कि क्रॉल स्टेट्स यानी कि जो क्रॉलर्स आए थे, कौन से क्रॉलर्स आए थे और क्या करके गए, इंडेक्सिंग के हैं तो क्या इंडेक्स किया है, और रैंकिंग दे रहे हैं तो किस हिसाब से हमें रैंकिंग दे रहे हैं, तो क्रॉल स्टैट्स में हमें मिलता है वो भी, वो सब चीज़ें। इंडेक्सिंग क्रॉलर गूगल बॉट डेस्कटॉप और प्रॉपर्टी एडेड टू जुलाई थर्ड 2020, इसको रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हो यहाँ से, जैसे हमने 301 रीडायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम लोग बाद में देखते हैं, ठीक है। 301 रिडायरेक्ट का हम लोग अलग से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं आगे चल के, तो अभी मैं उसको कम्प्लीटली ये नहीं करता हूँ, रिवील नहीं करता हूँ। देन अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, सबमिट फीडबैक। अगर
मुझे इन सब में से कहीं पे भी किसी भी प्रॉपर्टी को, सॉरी किसी भी इस टर्म्स को या कुछ भी मुझे अगर दिक्कत होती है स्टैटिस्टिक्स के साथ, जैसे परफॉर्मेंस में आता हूँ मैं और मुझे ये समझने में दिक्कत हो रही है या ये समझने में दिक्कत हो रही है, तो सबमिट फीडबैक नाम का एक यहाँ पे नीचे ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं अगर क्लिक कर लेता हूँ तो गूगल का जो भी सर्च इंजन है, गूगल सर्च कंसोल का बॉट है, वो यहाँ इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लोडिंग इस तरीके से आपको आ रहा है। तो ये स्क्रीनशॉट आने के बाद हमें बताना है कि, जैसे देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ गया है, और स्क्रीनशॉट आने के बाद यहाँ पे मुझे फीडबैक देना है कि क्या मुझे दिक्कत हो रही है, क्या मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, क्या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो हेल्प और सपोर्ट सिस्टम जो है गूगल का आपको सपोर्ट करेगा इसको समझने के लिए, कोई भी डिटेल से आपको बताएगा इसके बारे में। उसको सेंड कर देना है यहाँ पे टाइप करके, आपको आपकी क्वेरी सबमिट हो जाएगी, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। राइट, सो दैट्स ऑल फॉर गूगल सर्च कंसोल। ये यहाँ पे हमारा जो है गूगल सर्च कंसोल का जो टॉपिक है यहाँ पे जो है एंड होता है। किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत हो तो यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ओके, समझ में आया है या कोई दिक्कत है? सर एक डाउट था। हाँ पूछो। नहीं, एक डाउट था। हाँ पूछो। कि जैसे एंकर टेक्स्ट रहता है, पकड़ लो अगर किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से अगर बैकलिंक मिल रहा है, ठीक है, और सेम निश में है, और कोई भी डिजिटल मार्केटिंग अभी पकड़ लो टॉपिक लेते हैं निश का, तो अगर पकड़ लो हमें बैकलिंक मिल रहा है, तो अभी पकड़ लो एक आर्टिकल का मिल रहा है, एसईओ का आर्टिकल है हमारे वेबसाइट पे, तो थर्ड पार्टी जो एंकर टेक्स्ट पे दे रहा है वो एसईओ के रिगार्डिंग ही टेक्स्ट रहना चाहिए या कोई भी रह सकता है, लाइक कैसे रहता है? एंकर टेक्स्ट चाहे जो भी हो, एंकर टेक्स्ट चाहे जो भी हो, ठीक है, बट उसमें जो लिंक मिल रहा है डू फॉलो होना चाहिए, डू फॉलो होना चाहिए। ओके, हाँ डू फॉलो है, बट स्टिल अभी पकड़ लो कि बेस्ट 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स फॉर एसईओ, तो अगर ऐसे एंकर टेक्स्ट पे अगर बैकलिंक मिल जाता है हमारे एसईओ के आर्टिकल के लिए, सो वो ज्यादा बेनिफिशियंट है या फिर किसी और टेक्स्ट पे मिला तो ज्यादा बेनिफिशियंट है? नहीं नहीं नहीं, टेक्स्ट का एंकर टेक्स्ट का कोई मतलब ही नहीं आता, ठीक है। एंकर टेक्स्ट का कैसा है ना, एंकर टेक्स्ट आप चाहे जो भी हो, लेकिन लिंक जो दे रहा है वो बंदा, जो भी बैकलिंक दे रहा है आपको, जो भी वेबसाइट, वो डू फॉलो होनी चाहिए, दैट्स इट। ओके, मतलब एंकर टेक्स्ट कुछ भी रहने दो उसका फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके ओके, ठीक है, सिर्फ डू फॉलो लिंक सेम रहना चाहिए। नीश सेम होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए आपके टॉपिक से, आपके ब्लॉग से, आपके नीश से रिलेवेंट होना चाहिए, ठीक है। ओके 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 ओके, फाइन। किसी और को कोई क्वेश्चन? यस एवरीबॉडी, सर मुझे ये पूछना था कि सो अभी तो हम समझ रहे हैं और पूरा एक-एक एस्पेक्ट समझ रहे हैं और उसके बारे में सीख रहे हैं, लेकिन क्या हम साथ में मिलके भी वेबसाइट्स करने वाले हैं ये सब कुछ, मतलब सारा कुछ जो है कि हमको ये देख के अभी करते रहना है? साथ में मिलके यानी कैसे, मतलब प्रैक्टिकली भी ऐसा होगा कि? हाँ, प्रैक्टिकली जैसा है, जैसे अभी हम तो आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सबकी सभी टर्म्स और उसकी जो भी टेक्निकलिटीज है, जो भी कौन सा एरर आ सकता है, एक्सपेक्टेड एरर आ सकता है या उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। देखिए आपको कैसा है ना, आपको जब प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको एरर्स डेफिनेटली आएंगे, कुछ ना कुछ जरूर होगा, ठीक है। तो आप, हम लोग ऐसे सेशंस रखेंगे ना डाउट क्लियरिंग के, right. है ना, आप जब भी अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे या फिर साइमल्टेनियसली जैसे हम लोग लर्न कर रहे हैं देन अप्लाई करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स पे या अपने जो भी वर्क है उस पे, तो यहाँ पे एरर्स जब आएंगे हम लोग डिस्कस करेंगे एंड नो डाउट कि आप, मतलब हम लोगों को जैसे अभी वेबसाइट बनाने के बाद में फिर हम लोगों को आर्टिकल भी लिखना पड़ेगा, उसके बाद में किस तरह से हमको वो बैकलिंक्स लाने हैं और कीवर्ड रिसर्च का क्या कीवर्ड रिसर्च कैसे आर्टिकल लिखना है, वो सब भी करने वाले हैं ना अभी आगे। करेक्ट करेक्ट, तो नहीं इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको पूछना चाहिए और पूछना आपका काम है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है, कभी भी मतलब मैं बोल रहा था कि वो
हाँ तो मैं बोलता था कि मतलब हम लोगों को अभी मतलब अलग से आप सेशन लेंगे जिसमें आप बोलेंगे कि अभी हमको आर्टिकल लिखना है और अभी हमको बैकलिंक्स लाने हैं, या फिर वो ऑलरेडी हमको स्टार्ट कर लेना चाहिए करना? देखिए मैं आपको कीवर्ड रिसर्च की टेक्निक्स बताऊंगा, कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, कीवर्ड रिसर्च का एक प्रोसेस क्या होता है। अब जैसे हम लोग कोई ब्लॉग आर्टिकल लिख रहे हैं तो सबसे पहले हमें तो कीवर्ड रिसर्च करना जरूरी है, कितना सर्च वॉल्यूम है उसका, क्या है वगैरह वगैरह, जो भी उसके टर्म्स होते हैं उसको समझेंगे। उसके बाद हमें सबसे पहले तो हम तो एट अ टाइम एक्सपर्ट नहीं हो सकते है कि नहीं, कि जैसे हम लोग एक्सपर्ट की तरह ब्लॉग लिखने लगे हैं और हमको 1500-2000 का वर्ड्स का आर्टिकल लिखना है और उसके हमें बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं, सो ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है इनिशियली, बट उसके प्रोसेस को हमें समझना है। बैकलिंक्स आपको आसानी से, सबसे टफेस्ट जॉब मैं बोल रहा हूँ ना डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी मॉड्यूल्स है वो है एसईओ, अगर उसमें एसईओ में भी अगर कोई टफेस्ट जो पार्ट होगा तो वो है बैकलिंक्स ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। तो सबसे अगर क्रिटिकल और टफेस्ट काम अगर कोई है तो बैकलिंक्स क्रिएट करना, कोई बंदा आपको ऐसी थोड़ी ना बैकलिंक दे देगा है ना। ओके सो वन लाइन आंसर ये है कि आपको स्टार्ट कर देना चाहिए कल से ही। बिल्कुल बिल्कुल, साथ में करेंगे ना तो बहुत टाइम जाएगा, मतलब वो पॉसिबल हो नहीं पाएगा टेक्निकली, क्योंकि हमें बाकी के भी टॉपिक्स को कवर करना है ना। राइट, बट ऑन द अदर हैंड कोई प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो रहा वो कर। बिल्कुल बिल्कुल, बट क्या हम लोग को एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क मिल सकता है कि स्टेप वन आपको ये करना है, स्टेप टू ये करना है, स्टेप थ्री ये करना है, इसको फॉलो करते जाओ और उसमें अगर कोई डाउट आ रहा है तो हम पूछ सकते हैं, मतलब जैसे वेबसाइट बनाना है पहले है सपोज, उसके बाद आर्टिकल, उसके बाद कीवर्ड रिसर्च है। राइट, पीडीएफ मिलेगी आपको। ठीक है, हर एक सेशन की पीडीएफ, आई मीन हर एक टॉपिक की, जो जो हमारे असाइनमेंट्स रहेंगे ना कि कैसे करना होता है, तो हम पीडीएफ बना के आपको सेंड कर देंगे ग्रुप पे, ताकि आपको हेल्प होगी उसकी। Okay. और सैटरडे संडे तो हमको छुट्टी रहती है, बट इन केस आप सब सब लोगों को लगे कि हमारे बहुत सारे डाउट्स है तो हम एक सेशन तो कर ही सकते हैं ऑर्गेनाइज सैटरडे या संडे को। हाँ बिल्कुल कर सकते, जिसको जिसको पॉसिबल होगा सब आ जाना। सिर्फ उसमें ना कुछ स्टडी नहीं होगा, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर ही होंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन। यप, परफेक्ट। राइट, किसी और को? विजयलक्ष्मी, पूजा, are you there? No, no, yes, sir. Rushali, Rushali is not there, na? Unka internet connection. अच्छा, कोई इशू नहीं। ओके ओके, कोई इशू है तो आप पूछ सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। अगर जैसे हम लोग अगर आगे चल के प्रैक्टिकली करने वाले हैं तो वहां पे भी आपको इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। और ये फर्स्ट स्टेप है, जैसे मैंने कल बताया था आपको कि एसईओ अगर एक सब्जेक्ट है तो गूगल सर्च कंसोल उसकी एबीसीडी है, ठीक है। राइट, ओके। तो 50% टेक्निकल और 50% क्रिएटिव पार्ट है एसईओ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये टफ 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 वाला पार्ट हम पहले ले रहे हैं, इजी वाला हाँ। रैंकिंग फैक्टर ना वो इजी पार्ट है और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हाँ हाँ, इंटरेस्टिंग है। बट इसका एक्चुअली ये बेनिफिट क्या है टेक्निकल सीखने का, बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है। मैंने आज तक बहुत इंटरव्यू लिए एसईओ वालों के, किसी को ये नहीं पता होता वो रैंकिंग फैक्टर्स क्या करते हैं, गूगल से वीडियो वगैरह देखते या ब्लॉग पढ़ते और वो रट्टा मार के बता देते इससे रैंक होती है, इससे रैंक होते। बट मैं जब उनको बताता ना कि असाइनमेंट करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, नहीं आता उनको, तो हमें ये टफ जरूर है इनिशियली, बट हमको एक बार आ गया ना तो हम कंपटीशन से आगे बढ़ जाएंगे। राइट राइट, और किस किस के पास वेबसाइट है खुद की? अभी रिसेंटली मैंने तो एक डोमेन लिया है, पहले का था वो तो एक्सपायर हो गया, तो आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। होस्टिंग होस्टिंग कर से लिया मैंने। हाँ है ना? हाँ हाँ है। ओके, तो मुझे पर्सनली मैसेज करना कि किसके पास होस्टिंग नहीं है, मैं कल तुम्हें सबको सी पैनल का एक्सेस दे देता हूँ, बस तुम्हें डोमेन बाय करना पड़ेगा, वो मैं भी बता देता हूँ सस्ते में कहाँ से मिलता है वो। ओके ओके।
ओके देन चलो आज के लिए चलो ओके बाय गुड नाइट बाय गुड नाइट बाय सर गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट सर गुड नाइट प्रणय गुड नाइट एवरीबॉडी